so hi everyone a very good <coughs> am i audible or not all right so hi everyone सुबह सुबह उठा दिया तुम लोगों का फ्रॉम टूडे वी आर स्टार्टिंगर बैच फॉर मे ट्वेंटी फोर नवंबर ट्वेंटी फोर फर्स्टर्सोर उसके बाद अब हमारी एप के थ्रू एक्सेस मिलेगा जिन भी बच्चों ने ले रखा है ठीक है सो so आज की क्लास में आई विल टेल यू देपर पैटर्न की भाई रहता है कितने कैसे आपके प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो आईडीटी के अंदर ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करके आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे एंड आज जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन करके वो चैप्टर हम खत्म कर देंगे फिर कल से हम क्या करेंगे कल से हम आपका कल से हम आपका आज वाला सेशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो लाइव वाले बच्चे हैं ऐप पे आपको बाद में डाला हुआ मिल जाएगा ठीक है अभी यूट्यूब पे रहेगा ठीक है ठीक है न्यू so, स्कीम के अंदर जो इनडायरेक्ट टेस्ट का पेपर है जैसे छह ही पेपर रह गए जो इनडायरेक्ट टेस्ट का पेपर है हंड्रेड मार्क्स का इनडायरेक्ट टेक्स लॉस जिसमें से आपका एटी मार्क्स का जीएसटी होगा फिफ्टीन मार्क्स का आपका कस्टम होगा एंड फाइव मार्क का आपका एफ होगा ठीक है समझ लो मार्क्स का जीएसटी फिफ्टीन मार्क का कस्टम एंड फाइव मार्क्स का आपका एफ होगा पहले ये पुरानी स्कीम के अंदर ओल्ड कोर्स के अंदर जो कि नवंबर 23 तक एप्लीकेबल था

50 से 55 मार्क्स की दे आस्क यू 50 से 50 मार्क्स मार्क का जो पोर्शन आता है ना वो कहां से आता है मैं आपको दिखाता हूं देखो ये आपको जो चैप्टर दे रखे ना सप्लाई चार्ज एग्जम्पन प्लेस टाइम वैल्यू आईटीसी रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस ठीक है और आपका रिफंड 50 से 55 मार्क का पोर्शन यहां से पूछा जाएगा जो कि

एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने बच्चों को देखा है कि जो थ्योरी चैप्टर्स होते हैं ना उनमें इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती वो उलझे हुए रहते हैं आई टी सी में वगैरह और उलझना भी चाहिए बट आप इन चैप्टर्स को क्यों नेग्लेक्ट करके जा रहे हो तो आप ये बात मान के चल लेना कि, कि किसी की भी आई में एग्जामेशन नहीं आ सकती अगर वो थ्योरी चैप्टर कम से कम पांच से छह बार रिवाइज ना करके जाए तो एग्जाम से पहले ठीक है

डिमांड एंड आठ पेजेस का असेसमेंट ऑर्डर सिक्स पेजेस के इंस्पेक्शन एट पेजेस का अपील टेन पेजेस पेनल्टी आठ पेजेस एडवांस रूलिंग पेजेस ये क्या थ्योरी है छोटे छोटे से पेजेस दे रखे हैं टोटल कुल -टोट -टोट मिला के चालीस पन्ने भी नहीं है अगर मैं बात कहूँ ये चालीस पन्नों का अगर आप पांच से छह बार रिविजन करके जाते हो तो ये आपको बीस नंबर तो शॉर्ट शॉर्ट दे, दे देंगे आउट ऑफ मार्क्स तो आप कहीं नहीं जा रही ठीक है तो एग्जाम्शल लाना बड़ा ही आसान है वॉट विल बी माई स्ट्रेटेजी और हर बार यही रहती है कि मैं थ्योरी को बार 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 रिवाइज करवाता हूँ प्रैक्टिकल्स तो करते ही है जब थ्योरी का टाइम आता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ इनफैक्ट आप मेरे यूट्यूब पर भी एक आद आपको अभी मिल जाएगा जैसे काफी बच्चों ने देखा जीएसटी थ्योरी रिविजन वीडियो करके ठीक है तो थ्योरी पे बहुत अच्छा फोकस करना है आईजीटी टीलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर चाहे डिफिकल्ट आ जाए चाहे इजी जा आ जाए एग्जामिशन लाना इजी है कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करके अगर मैं कस्टम की बात करूं कस्टम 15 मार्क का जो कस्टम है आपका जिसके अंदर आपका ड्यूटी ड्राबे करके जो चैप्टर है वो हट चुका है अब बार ठीक है बढ़िया चैप्टर था अच्छा चैप्टर था इसमें क्वेश्चन में जब आता था तो पूरे में से पूरे नंबर ही आते थे पर अब हटा दिया इंस्टीट्यूट ने बैगेज वैल्यूएशन वेयरहाउसिंग और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में से कुछ दो तीन तरह की ड्यूटीज ठीक है अगर आप इन और इन चैप्टर रिफंड में स्पेसिफिकली दो क्वेश्चन बनते हैं कुछ खास नहीं है पंद्रह अगर आपने इन को ध्यान से देख लिया, अगर आई डी टी को आप थोड़ा सा तमीज से पढ़ते हो ना मतलब मैं एक एक बात जो बोलूंगा ना वो एकदम सच बोलूंगा ठीक है इतना सा भी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो इतनी सी भी मैन्युलेटिव होगी है ना क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके और मेरे बीच में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो जो हकीकत है वो आपको भी पता हो ठीक है और आप लोग मेरे पे भरोसा करके इस सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखाऊं ठीक है अब ये वाला जो जैसा आई डी टी है अब इसके अंदर आप अगर एक्सपेक्ट करो कि आपके नाइन्टी फाइव नंबर आ जाएंगे है ना वो मुश्किल है अब आप सोचो कि कस्टम में आपके बीस में से बीस नंबर आ जाएंगे वो मुश्किल है एफ में पांच नंबर का एफ आता है अब मैं आपको एक गारंटी दूं कि मैं पांच में से पांच ही दिला दूंगा एफ इतना बड़ा टॉपिक है जिसको हम बड़ा शॉर्ट में पढ़ाते हैं क्योंकि आईसीए के मॉडल में भी शॉर्ट में ही है पर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जैसे एफ टीपी पांच नंबर का है ठीक है तो उसमें से आपके थ्री प्लस में दिलवा दूंगा जीएसटी में मैं आपको कोशिश करूंगा पूरे नंबर दिलवा दूंगा किसी परसेंट टू परसन डिपेंड करते कटवा ले ठीक है अब ये जो कस्टम प्लस एफ मार्क्स का है ना ये मेरी के रेस्पॉसिबिलिटीन प्लस नंबर में आपको दिलवा दूंगा पर मैं आपको ये वादा करूं कि मैं बी ही दिलवाऊंगा और इनफैक्ट अगर कोई भी ऐसा वादा कर रहा है तो वो गलत वादा है वो फॉल्स क्लेम है कर ही नहीं सकता ठीक है कर ही नहीं सकता आज वाली क्लास सॉफ्टवेयर पे नहीं चलाई है आज वाली क्लास यही चलाई है अब आप कमेंट में बार बार यही चीज लिखोगे सॉफ्टवेयर पे बाद में अपलोड हो जाएगी दो डेमो के बाद जो तीसरी क्लास होगी वो सॉफ्टवेयर पे लाइव होगी ठीक है चलिए जिन भी बच्चों को सॉफ्टवेयर का मेल नहीं आया बहुत ऐसे बच्चे थे ठीक है तो आप एक काम करना अगर आज भी मेल नहीं आया तो स्पैम फोल्डर चेक करना अपना मेल का मेल के स्पैम फोल्डर में भी नहीं मिले तो फिर हमको कॉन्टेक्ट करना ठीक है टेलीग्राम पे एट द रेट सी अक्षांश अगर आप डालोगे तो आप मेरे को मैसेज कर पाओगे नहीं तो वे प्रतीक जगाती डॉट कॉम पे हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा आपको डब्ल्यू 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 डॉट प्रतिकॉट कॉम पे ठीक है इतना समझ में आया पेपर बड़ा ही क्या कैसा भी पेपर आ जाए मैं मान के चलता हूं कि अगर हम इमेजिन करें हम अज्यूम करें कि IDT का पेपर डिफिकल्ट आने वाला है तो भी आपकी जो ट्वेंटी है ना उसमें से आप इजीली इजीली ट्वेंटी नंबर ला सकते हो और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आपसे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इजीली निकाल लोगे मतलब ये प्लान करिए कि सेवेंटी नंबर आप IDT में इजीली सेवेंटी प्लस आप आईडी में इजीली स्कोर कर सकते हैं ऐसे कितने बच्चे हर अटैप्ट में अभी नवंबर ट्वेंटी का रिजल्ट है मैं आपको कितने बच्चे दिखाऊंगा जिनके 80 प्लस मार्क्स आए आई डी के अंदर तो मेरा एक ही रोल रहेगा एक ही गोल है मेरा ठीक है कि भाई कैसे ना कैसे करके आप लोग जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना सिक्सटी परसेंट बच्चे एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट बच्चों की एग्जम्शन आए और ये ये डेटा लास्ट अटैम्प्ट में भी हुआ था फुलफिल मैंने टेलीग्राम पर डाला था पूरा डेटा ठीक है सपोज करो 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हजार बारह बच्चों की एग्जम्शन आए आईडीटी में क्योंकि आईडीटी में 60 नंबर लाना कोई बड़ी तोप की बात नहीं है एटी प्लस लाना अच्छी बात है वो डिफिकल्ट कह सकता हूं मैं नंबर लाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं IDT के अंदर तो अपना मेरे को मेरा रिजल्ट मेंटेन करना है तो अब मैं आपसे कुछ बातें मेरे को क्या आपसे एक्सपेक्टेशन वो मैं बताता बातेंटेशन आपकी तो एक्सपेक्टेशन यही होंगी कि मैं अच्छा समझा दे अच्छा पढ़ा दे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है मैक्सिमम ऑफ यू आप किसी ना किसी के रेफरेंस से ही आए हैं आप भी जो सुन रहे हैं आपको भी पता ही होगा वो तो रेफरेंस इसलिए आए हैं क्योंकि आपके जो भी सीनियर्स थे उन्होंने पढ़ के गए ना तो आईडीटी आपको पूरा वेब सीरीज ही लगेगा ऐसा लगेगा कि एक पिक्चर चल रही है बड़ा मजा आएगा साथ के साथ सारे क्वेश्चन होंगे सब होगा क्लास में सब खत्म हो जाएगा मल्टीपल टाइम रिविजन तो आपको पांच सात दिन बाद तक तो, तो मजा आने लगेगा बोलेगा कि आज क्लास कैसे नहीं है किस दिन छुट्टी हो जाए तो वैसे छुट्टी नहीं होगी संडे को भी क्लासेस चलेंगी ठीक है अब समझना मैं कहां पे था हाँ तो मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपने डिसिप्लिन से क्लास देखनी है

आगे बढ़ते हैं अब पेपर पैटर्न आपको समझ में आए एटी मार्क का जीएसटी फिफ्टीन मार्क का कस्टम और आपका पांच मार्क्स का एफटीपी टीपी तीन तीन पोर्शन में ठीक है जी अब अपन आ जाते हैं इस सब्जेक्ट पे ठीक है अपन क्या पढ़ रहे हैं जी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ठीक है अब आप लोग आज की जो क्लास है ना उसके अंदर मैं आपको पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन समझाऊंगा कि कि कैसे जीएसटी आया जीएसटी से पहले क्या था वैट वैट से पहले क्या था जनरल सेल्स टैक्स था तो ये सब क्यों आए जीएसटी का नाम जीएसटी ही क्यों पड़ा ठीक है पूरी की पूरी कहानी अब आप बोलोगे कि सर जी हमको मालूम है कई लोगों को पता ऐसे आधी नॉलेज है ठीक है तो अब आप अपने आप को हीरो मत समझना ऐसे मत समझना कि यार ये सब तो हमको पता है बेसिक चीजें तो हमको पता है अभी आप अगला दे, डेढ़ देड, दो घंटा मेरे साथ बैठोगे ना तो आपको इतनी नई बातें पता चलेंगी जो आपको शायद नहीं पता थी ठीक है तो अब आप सुनना क्या है कि अभी ये जो चीजें मैं बताऊंगा ना आपको हो सकता है वहां से एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आए या नहीं भी आए ठीक है बट एक बैकग्राउंड स्टोरी का पता होना बहुत जरूरी है समझ रहे मेरी बात बैकग्राउंड स्टोरी का पता होना बहुत जरूरी है उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते तो जैसे मूवी में होता है ना कि भाई करंट में आज आपको हीरो खड़ा हुआ दिख रहा है करंट में बाहुबली दिख रहा है लेकिन बाहुबली की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाना है कि भाई बाहुबली कैसे आया है ना ये सब करके तो ये पूरी की पूरी करंट में आपको जीएसटी दिख रहा है लेकिन कैसे आया क्यों आया एंड ऑल दैट मैं आपको पूरी बातें बताता हूं। चलो टैक्स से शुरू करते हैं बेसिकली कि कि टैक्स टैक्स क्या है 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 तो आप फाइनल लेवल के अंदर सभी को पता है कि एक कम्पलरी चार्ज है ये कोई डोनेशन नहीं है टैक्स इज नॉट अ डोनेशन ऐसा नहीं है कि भाई इच्छा हो तो दे दो नहीं तो मत दो अगर ऐसा होता ना कि इच्छा हो तो दे दो तो आप भिखारी को दो रुपए नहीं देते गवर्नमेंट को क्या कुछ नहीं देने वाले थे आप तो गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी कर दिया कि आपको देना ही पड़ेगा ठीक है अब कंपलसरी इसलिए करा कि भाई देश कैसे चलेगा गवर्नमेंट कोई बिजनेस थोड़ी कर रही है गवर्नमेंट थोड़ी बिजनेस कर रही है देश भी तो चलाना है ठीक है तो इन्होंने कंपलसरी इसलिए करा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया अपना हॉस्पिटल हो गया मेडिकल फैसिलिटीज हो गई डिफेंस हो गया ठीक है एजुकेशन हो गया हर सेक्टर को पैसा चाहिए दो तरह का टैक्स होता है जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि लेवी और कलेक्शन सेम पर्सन पे होता है ठीक है जो अर्न कर रहा है उसी से कलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि लेवी किसी और पे होता है कलेक्ट किसी और से होता है ठीक है जैसे आप आई डी मेरे से पढ़ रहे हो आपने मेरी क्लास खरीदी आठ हजार पांच सौ रुपए पे करे जो इंक्लूसिव जीएसटीटली थर्टीन हंड्रेड रुपीज ऐसा है जो कि जीएसटी का है ठीक है तो गवर्नमेंट मुझे क्या बोलेगी कि देखो भाई साहब ये जो आपको पैसे मिले ना इसमें से तेरह सौ रुपए ऐसे हैं कि वो हमको आपको देने ठीक है।, है अब इनडायरेक्टली ये पैसा टैक्स दे आप ही रहे हो पर गवर्नमेंट कलेक्ट मेरे से करवा रही है ठीक है पैसा आपकी जेब से निकल रहा है पर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को मैं दे रहा हूं तो ले भी किसी और पे हो रहा है कलेक्ट किसी और पे हो रहा है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स अब देखिए ये सपोज करो इनकम है और ये टैक्स का अमाउंट है अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा दिस इज डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्या प्रोग्रेसिव इन नेचर गवर्नमेंट पता है डायरेक्ट टैक्स क्यों लाई डायरेक्ट टैक्स भी क्यों आया समझ समझना गवर्नमेंट को लगता था कि यार लोग पैसा कमा रहे अब हो ये रहा था कि जो लोग पैसा कमा रहे थे ना तो रिच रिच होते जा रहे थे पुअर पुअर होते जा रहे थे तो गवर्नमेंट ने बोला कि माना लोग अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं कमाओ अच्छी बात है पर पैसा आपके पास रुकना नहीं चाहिए अगर आप जितना ज्यादा कमाओगे ना उतना ज्यादा आपसे ले लेंगे अगर आप तभी तो स्लैब्स बना रखी रखिए कि भाई इस स्लैब तक इतना टैक्स रेट उससे ज्यादा ये इससे ज्यादा ये और फिर थर्टी परसेंट थर्टी थ्री परसेंट और पचास लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है सरचार्ज कंपनी है तो अलग केसेस तो अलग अलग केसेस बना रखे हैं ठीक है तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि भाई आप ही अपनी झोली भर लो आप गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप केपेबल हो तो हमको पैसा दो हम इसमें विकास में लगाएंगे इस पैसे ठीक है कंपल्सरी कर दिया वरना तो आप दो ही नहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की ग्राफ की बात करूं तो ये बड़ा कांस्टेंट है चाहे आपकी इनकम भी कुछ भी हो तो टैक्स का अमाउंट सेम ही रहेगा क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना जैसे जीएसटी है तो ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता पे लगता लगता है है समझ रहे हो ये ये किसी कोई इनकम पे नहीं लगता अगर आप पाले जी खरीदने गए तो पाले जी क्या हो गया गुड्स हो गया तो पाले जी पे टैक्स लग रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स सेम रहेगा अब कोई किसी बच्चे कोई पेरेंट है जिनकी इनकम दस लाख रुपए मंथली हो कोई पेरेंट है जिनकी इनकम दस हजार रुपए मंथली हो ठीक है पर अगर वो मेरी क्लास खरीद रहा है तो जीएसटी तेरह सौ रुपए ही देना पड़ेगा उसको चाहे वो कितनी भी इनकम हो फिर उसकी तो इनडायरेक्ट टैक्स जाए सेम ही रहेगा ये बात भी आपको बता दी अब जीएसटी जो है ये आपको आज की क्लास हल्की सी हिस्ट्री जैसी लगेगी लेकिन बड़ा मजा आएगा पहली बार हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा जीएसटी जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है हम तो जब छोटे थे आप और मैं तो छोटे ही थे 2017 की बात है चर्चा तो 2004 से ही चल रही है और उससे भी पहले से चल रही है जीएसटी लाने की अपन ने तो यही देखा है कि जीएसटी आया सी डे के दिन जीएसटी आ गया मोदी जी सी एंस्टीट्यूट में गए ताली वाली बजाई काम कौन ये कहानी नहीं है कहानी बहुत पुरानी है दशकों पुरानी कहानी है डिकेट से चल रही है जीएसटी कहानी इतना आसान नहीं था अप्रोक्सीमेटली एक सौ साठ कंट्री वन सिक्सटी कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी या इंप्लीमेंट करा लेकिन सब लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज का क्या हुआ जीएसटी वो अडॉप्ट नहीं कर पाए फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए सरकार पलट गई इंडिया ऐसा कंट्री था जहां पे जीएसटी भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ और मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से आई सेवनटीन में जीएसटी आया टू के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से आई बाकी किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट रिपीट भी नहीं हुई जीएसटी इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म और आप मानोगे नहीं जीएसटी से जितना कलेक्शन हो रहा है ना अभी आज की डेट में इंडिया में कहीं से भी कलेक्शन नहीं हो रहा ना कॉर्पोरेट टैक्स से ना आपके डायरेक्ट टैक्स से कहीं से भी आपको कलेक्ट नहीं हो रहा जितना जीएसटी का कलेक्शन आ रहा है ठीक है जी अब जीएसटी ये तो पता चल गया आपको कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है सवाल ये आता है कि आया कैसे और जीएसटी से पहले क्या था तो देखो जीएसटी से पहले ये था प्री जीएसटी प्री जीएसटी था आपका वैट सीएसटी जिनको आप सेल्स टैक्स भी बुलाते थे ठीक है अगर आपके घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना पहले के बना हुआ तो उन लोगों ने यही पढ़े एक्साइज ड्यूटी पढ़ा होगा कस्टम्स पढ़ा होगा कस्टम्स तो आज भी है सर्विस टैक्स ठीक कस्टम आज क्यों है कस्टम क्यों जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ सब पता चलेगा आपको ठीक है अब आप सुनना मेरी बात <coughs> ये जितने सारे टैक्सेस थे ना ये हर किसी किसी ना किसी एक्टिविटी पर लगते थे जैसे वैट और सीएसटी सेल्स पे लगता था तो इसका नाम सेल्स टैक्स रख दिया एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था ठीक है कस्टम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता था सर्विस टैक्स सर्विस पे लगता था ठीक है तो ये क्या किया इन्होंने अलग अलग टैक्सेस बना रखे थे इनको बांट दिया ऐसा बोला सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक है एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट का वैट स्टेट गवर्नमेंट का हर भाई इन्होंने क्या डिवाइड कर दिया कि भाई ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा जैसे एक घर होता है घर में दस लोग रहते हैं ना तो बांट दिया कि भैया ये बिजनेस तुम्हारा ये बिजनेस तुम्हारा ये बिजनेस सबके अपने अपने इनकम सोर्सेज थे सबकी अपनी अपनी दुनिया चल रही थी बढ़िया काम हो रहा था ठीक है इस तरीके से काम हो रहा था ठीक है अब क्या हुआ जीएसटी में जब आए ना तो ये प्लान बना कि जीएसटी में मर्ज हो जाते हैं वन नेशन वन टैक्स तो सबको बड़ी तकलीफ हुई भाई होगी तकलीफ बड़ा रजिस्ट कर रहे थे सब लोग सारे स्टेट्स रजिस्ट कर रहे थे कि भाई जीएसटी में आया जाए कि नहीं आया जाए आप खुद सोचो आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो मैं अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा हूं मेरे पास वैट है आपके पास सर्विस टैक्स है किसी के पास एक्साइज सबका अपना अपना काम चल रहा है अपने 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 बांट रखे सोर्स ऑफ रेवेन्यू और आप अचानक से कोई बोले कि आओ आके मर्द हो जाते हैं तो अपने दिमाग में सौ थॉट आएंगे कि यार अभी जैसा चल रहा है पता चला उससे भी खराब स्थिति में आ जाए और कई स्टेट्स का तो बहुत अच्छा चल रहा था तो क्यों आना चाहेंगे जीएसटी में ठीक है इट इट अ अ टास्क टास्क जिन लोगों ने लाइक भी नहीं मारा मार देना एक बार लाइक क्योंकि यूट्यूब की अलगोरिथम ऐसे होती है कि ऑटोमेटिकली वीडियो को स्प्रेड कर देते हैं तो और लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं अब सवाल ये आया कि चलो गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि अब जीएसटी लाया जाए तो पावर कहां से आई गवर्नमेंट के पास ऐसे तो, तो मेरा कोई मन कर जाए तो मैं भी कर लू कोई भी काम तो ऐसे थोड़ी कि जो भी मन में कर जाएगा वो कर लोगे आप कल को तो गवर्नमेंट का मन कर जाएगा कि देश में इलेक्शन बंद कर दो ठीक है तो ऐसे थोड़ी मन से थोड़ी होता है तो कोई भी टैक्स लगाने के लिए जो पावर मिलती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबसे सुप्रीम है उससे ऊपर कुछ नहीं है कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ठीक है याद तो नहीं करना है आपको सुनना आज मेरी बात बस आप आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन उसके अंदर तीन लिस्ट दे रखी है तीन लिस्ट क्या दे रखी है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कि रखे कि किस कौन क्या कर सकता है, भाई मतलब किन -किन में ध्यान दे सकती है। जैसे इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है तो वो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है एंट्री नंबर एटी टू में याद नहीं करना सुन लो मेरी बात ठीक है इनकम टैक्स गवर्नमेंट का मैटर है इसी तरीके से सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है तो यह सब यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं स्टेट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है स्टेट के बहुत सारे जैसे सेल्स टैक्स स्टेट स्टेट का का मैटर मैटर है 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 स्टैंप ड्यूटी जो प्रॉपर्टी पे लगता है, वो का है। ऐसे बहुत सारे मैटर मैटर लिखे ऐसे जहां पे सेंटर स्टेट दोनों मिलकर कोई काम करें जैसे एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी बनानी हो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिस लेना हो तो सेंटर स्टेट मिलकर काम करेगी ठीक है एजुकेशन में सेंटर का भी रोल है स्टेट का भी रोल है जैसे अब आप देखोगे कि रेलवेज है अब रेलवे सिंगल हैंडेडली सेंटर का इंटरफेरेंस है उस पर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है लेकिन लिस्ट के अंदर से एजुकेशन है तो स्टेट का भी मैटर है और भाई स्टेट बोर्ड भी होते हैं सेंटर बोर्ड भी होता है तो इन्होंने क्या बोला कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों अपने अपना काम करेंगे जैसे मैरिज लॉ जो है उसके अंदर भी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल रखा है दोनों का इंटरफेरेंस है ठीक है एट प्रेजेंट कोई टैक्स ऐसा नहीं है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता हो समझ रहे हो खूब सारे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में जाते हैं लेकिन जैसे है, में आता में आता है, तो में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, के, के अंदर कहीं जीएसटी लिखा हुआ वो तो नहीं लिखा हुआ ना इनकम टैक्स लिखा हुआ है तो इनकम टैक्स लगा रहे हैं। पर जीएसटी कहा लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ अब क्या करें अब आप समझना मेरी बात अपन जीएसटी तो आज की कहानी है जीएसटी से पहले आते हैं कि जीएसटी से पहले क्या चलता था जीएसटी से पहले चलता था वैट और सी सेंट्रल सेल्स टैक्स इससे पहले क्या था अब अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि इसको लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी पहले वाले में क्या ऐसा डिफॉल्ट था अब अपन चलते हैं कहानी बिफोर वैट बिफोर वैट में चलते हैं पूरी चेन होती है चेन क्या होती है सपोज करो एक मैन्युफैक्चरर होता है मैन्युफैक्चर अपना सामान बना के बेचता है होलसेलर को होलसेलर बेचता है रिटेलर को और रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को अच्छा एक छोटा सा सवाल एक छोटा सा सवाल कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है किसी को पता है कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है एनीवन मोदी जी की गाड़ी आ गई है कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है वो बताओ आप लिख के एक सेकंड रुकिएगा बस है ना कल से गेट बंद रखेंगे आज मैंने स्टूडियो का गेट खुला रखा मेरे को लगा वेंटिलेशन आएगा लेकिन सुबह सुबह गाड़ी आती है नहीं पता था कि लेट उठता था ना रोज चलो तो कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर वो होता है जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे कस्टमर कौन होता है जो उस प्रोडक्ट को परचेज करे तो होलसेलर भी कस्टमर है रिटेलर भी एक कस्टमर है कंज्यूमर भी एक कस्टमर है ठीक है बट रिटेलर कंज्यूमर नहीं है कंज्यूमर वो होता है जो अल्टीमेटली उस स्टेज पे आके कभी तो बेचे नहीं उस प्रोडक्ट को आगे पे बेचने वाली चेन रुक जाएगी ना और फाइनल होगा उसको कंज्यूमर बोलेंगे और कस्टमर तो हर है। है? चलिए मान के चलते हैं कि है और वो कोई बना रहा है परचेज किया इसने कुछ तो मैन्युफेक्चर तो करेगा नहीं ध्यान से तो सुनना ठीक है मैन्युफैक्चर है ये तो खुद बना रहा है तो इसने कुछ परचेज नहीं किया फिर इसने रॉ मेटेरियल यूज किया रॉ मेटेरियल कितने का यूज किया मान के चलो वन रुपीस का रॉ यूज किया इसने लेबर लगाई इसने रुपीज की ओवरहेड लगाया वन ट्वेंटी रुपीज का ये खर्चे हो जाते हैं रॉ मेटेरियल लेबर ओवरहेड के खर्चे हो जाते हैं इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया टू फिफ्टी रुपीज का टोटल प्राइस कितनी हो गई इसकी टोटल प्राइस कितनी होगी बेसिक सेलिंग प्राइस बेसिक सेलिंग प्राइस हो गई इसकी फिफ्टीन हंड्रेड भाई ये क्या होगा इसके खर्चे हो गए ठीक ये क्या हो गए परचेज प्राइस परचेज तो कुछ किया नहीं इसने प्रोडक्ट खुद ही बना रहा है तो रॉ मटेरियल लगाया होगा लेबर ओवरहेड, प्रॉफिट बेसिक सेलिंग प्राइस इतनी हो गई अब वैट सी से पहले चलता था जनरल सेल्स टैक्स ठीक है जनरल सेल्स टैक्स सीएफटी क्यों आया वो बताऊंगा अभी आपको अभी आप वैट सीएफटी से भी पुरानी कहानी में चल रहे जीएसटी लाए थे, फिर उसको हटा के थे। है? तो जब तो शुरुआत की कहानी बता रहा हूँ ग्रैंड फादर जो थे हमारे वहां तब क्या होता था ग्रैंड फादर से भी पहले ये होता था जनरल सेल टैक्स मान के चलो लगाया ट्वेल्व परसेंट की रेट से कितना आई 1500 का 12% 180 रुपए आया और फाइनल प्राइस कितनी हो गई टोटल टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई टोटल सेलिंग प्राइस आपकी हो गई 1680 की ठीक है मैन्युफैक्चरर ने सारे खर्चे किए अपना प्रॉफिट ऐड किया और सेल्स टैक्स लगा दिया 12% का 1680 हो गया अब होलसेलर क्या करता था 1680 में खरीद लेता था क्या कर रहा है होलसेलर भैया 1680 में होलसेलर खरीद रहा है इसको अब होलसेलर क्या करेगा खरीदने के बाद सपोज करो रॉ लेबर तो कुछ नहीं लग रहा कुछ ओवरहड लग सकते हैं छोटे मोटे overhead, मान के चलते हैं कि 120 रुपीस की इसने भी लगा दिए और इसका भी टू फिफ्टी रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन एडेड था अब बेसिक सेलिंग प्राइस कितनी हो गई टू थाउजेंड एंड फिफ्टी आपकी बेसिक सेलिंग प्राइस हो गई ठीक है ये कितना हो गया अठारह सौ अठारह सौ ढाई सौ टू थाउजेंड फिफ्टी आपकी बेसिक सेलिंग प्राइस हो गई अब सेल्स टैक्स पे भी लगेगा ट्वेल्व परसेंट के रेट से 2050 का अगर हम 12 निकालेंगे तो 2050 थाउजेंड फिफ्टी तो इट विल कम टू फोर्टी सिक्स रुपीज आ जाएगा ये आपका और फिर इस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ रहा है प्लस इज इक्वल टू टू अब आप देखना इस इस ट्रांजेक्शन के अंदर तकलीफ क्या हुई आपको नहीं लगता कि यहां पे टैक्स ऑन टैक्स हुआ ये जो वन एटी था

बिल्कुल भैया टैक्स ऑन टैक्स तो हो रहा है क्योंकि ये जो वन एटी रुपीज का कंपोनेंट है ना इस पर वापस से टैक्स लग गया क्योंकि 180 रुपीस का कंपोनेंट इसमें भी जुड़ा हुआ है अब चलो एक समस्या तो ये हो गई क्या हो गई पहली समस्या क्या क्या प्रॉब्लम थी चलो पुराने वाले सिस्टम में पहली समस्या तो हो गई टैक्स ऑन टैक्स दूसरी दिक्कत मेरे को क्या लग रही है दूसरी दिक्कत मेरे को ये लग रही है समझना मेरी बात

ये 180 और ओवरऑल प्रॉफिट जो होलसेलर ने किए थे वो तो भाई देखा जाए तो इस पंद्रह सो रुपए पे एक बार तो टैक्स दे चुका मैन्युफैक्चरर और इसी पंद्रह सौ रुपए पे होलसेलर वापस से भी तो टैक्स दे रहा है अब आप दिमाग लगा के सोचो तो भाई इस एक सौ वन एटी रुपीज का जो टैक्स है उस पर तो टैक्स दे ही रहा है टैक्स ऑन टैक्स वन एटी रुपीज तो देखो वन सिक्स एट जीरो जो है ना उसके अंदर फिफ्टी हंड्रेड भी और वन एटी भी है तो वन एटी पे भी दे रहा है और फिफ्टीन हंड्रेड पे भी वापस टैक्स दे रहा है वो तो फिफ्टी हंड्रेड भी वापस दे रहा है कि नहीं दे रहा समझ में आया क्या आपको तो डबल टैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा टैक्स टैक्स ऑन तो हो रहा है कि टैक्स टैक्स पे टेक्स लग रहा है लेकिन ये जो बाकी का अमाउंट है भी तो डबल टैक्स लग लग गया एक यहां लग गया एक एक बार बार यहां वहां तुमने दूसरी जगह लगा दिया डबल टैक्स हो रहा है इसी तरीके से अपन आगे वाली स्टेज पे चलते हैं सपोज करो रिटेलर पे आ जाते हैं रिटेलर पे आते हैं रिटेलर का में हो रहा है सपोज करो रिटेलर ने सामान परचेज किया कितने में परचेज किया रिटेलर ने सामान किया आपका टू टू नाइन सिक्स में परचेज किया और इसनेगा दिया प्राइस हो गई फिर अभी वापस से टैक्स देगा इसका ट्वेल्व परसेंट टसेट कितना आ रहा है थ्री जीरो आ गई आपकी टू एट वन सेवन पॉइंट नाइन टू अब देखा जाए तो ये जो टू टू नाइन सिक्स है

पंद्रह सौ रुपए ये तीन बार टैक्स हो गया अब जितनी लेवल चलती जाएंगे उतनी बार टैक्स बढ़ाते जाओ तो डबल टैक्सेशन भी हो रहा है और टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है दो चीजें हो रही थी ये चीज है जब शुरू हुआ था इनडायरेक्ट टैक्स अब आप समझ रहे हो सामान कितना महंगा हो गया बल्कि बेसिकली होना क्या चाहिए था कि भाई हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है ना उतना टैक्स लगाओ जैसे सपोज करो सेकंड वाली स्टेज पे क्या हो रहा था सेकंड वाली स्टेज पे आपका हो रहा है सेकंड वाली स्टेज पे आपका 120 और 250 का वैल्यू एडिशन हुआ है

या टमाटर 300 400 रुपए किलो मिल रहे हैं ठीक है आपने देखे होंगे मीम्स कि जैसे मीम्स में आया ना कि उनकी टीम जैसे इंडिया आई तो कह रहे हैं कि भाईजान ये क्या है ये कैसी मशीन है जो ठंडी हवा फेंक रही है ठीक है एसी के लिए बोला था ना ऐसे मीम्स देखे होंगे आपने भाई अगर इन्फ्लेशन किसी देश में बहुत ज्यादा होगा तो सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं है तो इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन ठीक है कि कुछ नहीं एक बार अब अब हार के अब घर रहे हैं तो आटा लेके चल जाते हैं इस तरह ठीक है।, है, तो 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 है एक ने तो हमारे यहाँ से शेरवानी खरीदी थी, थी अपनी शादी के लिए महंगी मिलती होगी वहां पे पॉइंट क्या है इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था और इंडिया उस टाइम भाई बिल्कुल पुअर कंट्री माना जाता था ये अपनी बहुत पुरानी बातें हैं जब देश आजाद हुआ था उसके बाद का सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको ठीक है ठीक है अभी इंडिया में इन्फ्लेशन अभी भी है पर बहुत कंट्रोल्ड में है अब तो ठीक है तो भाई अब दिक्कत क्या आ रही थी इस स्टेज पे दो दिक्कत आ रही थी टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन अब आया वैट अब वैट में क्या हुआ समझ गया पुरानी स्टेज में क्या दिक्कत थी अब ये लोग वैट लेके आए अब वैट में इन्होंने दो बातें करी कि भाई ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए दोनों प्रॉब्लम कौन सी टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए ठीक है वैट इस परपस से आया तो बेसिकली वैट क्या है एक टैक्सेशन सिस्टम है ठीक है ये पुराना टैक्स भी सेल्स पे लगता था वैट भी सेल्स पे लगता था ठीक है वैट क्या एक टैक्सेशन सिस्टम है जो आपको बताएगा कि इस तरीके से टैक्स लगाया जाए जिससे टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन जैसी समस्या ना आए वैट ये बोलता था इनडायरेक्टली इस तरह का एक टैक्सेशन सिस्टम था वैट ठीक है बिफोर वैट वाला पीरियड क्या था देखो वैट आया आपका 2005 में बेसिकली पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो चुका था वैट अब वैट क्या है स्टेट वाइज टैक्स लगता है वैट में समझ रहे हो वैट जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का वैट अलग हो सकता था राजस्थान गवर्नमेंट का अलग पंजाब गवर्नमेंट का अलग तो स्टेट के पास पावर थी वैट लगाने की तो अब मैं कहूं कि पूरे इंडिया में एक दिन कोई जैसे जीएसटी में बोलता हूं आपको एक जुलाई 2017 को जीएसटी आया इस तरीके से मैं ये नहीं बोल सकता कि वैट एक पर्टिकुलर दिन आया हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से वैट लगाया जैसे हरियाणा पहला स्टेट था जो 2003 में वैट लगाया ठीक है बाकी नॉर्मली टू के आसपास वैट पूरे इंडिया में लग चुका था ठीक है तो ये वैट से पहले का सिस्टम यह था जहां पर टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन ये दो तरह की समस्या आ रही थी ठीक है अब वैट में इन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अब वैट के अंदर क्या किया अब इसी एग्जांपल को वापस से लेके चलते हैं कि भाई अगर ये वैट में होता तो क्या होता तो जैसे सपोज करो मैन्युफैक्चरर था फिर होलसेलर रिटेलर एंड कंज्यूमर यही तो चार स्टेप बनाई थी अब अपन ने क्या लिखा था कि परचेस प्राइस तो कुछ नहीं थी रॉ मेटेरियल था अपना वन थाउजेंड रुपीज का इधर ही आ जाते ना डायरेक्टली ये देखो अगर वैट होता तो क्या होता ये वैट होता तो क्या होता सुनना मेरी बात दो समस्याएं तो दूर करनी है मैं वैट में अब इनको दूर करते हैं इन्होंने ऐसा बोला वैट के अंदर कि आप इस 1680 को यहां लेके जा रहे हो ना आप 1680 को यहां मत लेके जाओ आप इसकी बजाय पंद्रह सौ रुपए को यहां लेके जाओ तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली जो वन एटी रुपीज का अमाउंट है ना ये यह यहां कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो इस पर वापस टैक्स भी नहीं लगेगा ठीक है समझ रहे हो मेरी बात तो भाई इन्होंने क्या बोला कि आप अभी तक वन सिक्स एट जीरो को लिख रहे थे बिफोर वैट अब आप डायरेक्टली फिफ्टीन हंड्रेड को लिखो तो जिससे क्या होगा वन एटी रुपीज पे वापस टैक्स नहीं लगेगा तो इन्होंने कहा कि चलो इससे तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई टैक्स ऑन टैक्स फिर डबल टैक्सेशन कैसे सॉल्व होगा टैक्स ऑन टैक्स तो सॉल्व हो जाएगा हंड्रेड रुपीज तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना तो अब इस फिफ्टीन हंड्रेड पे वापस टैक्स लगेगा इनडायरेक्टली तो वो तो डबल टैक्सेशन तो हो ही रहा है भी भी। तो इन्होंने ऐसा बोला अब अब समझना अब के चलो आप और मैं लॉ मेकर

ठीक है अब आप क्या बोलोगे दूसरा रास्ता है ना अब दूसरा रास्ता यह है कि, ये काम करते हैं कि जैसे रिटेलर को बेचेगा दूसरा रास्ता यह आता है कि होलसेलर को बोलते हैं टैक्स लगा 1500 कैरी फॉरवर्ड तो कर दिया पर ओवर तूने 120 के लगाए टू फिफ्टी का तेरा प्रॉफिट हुआ तो तू तीन सौ सत्तर रुपए पे टैक्स लगा पूरे पे मत लगा पूरे पे मत लगा है? अगर देखो फिफ्टीन हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी प्लस टू फिफ्टी कितना होता है वन एट सेवन जीरो होता है वन एट सेवन जीरो होता है तो अब इसी एग्जाम्पल को देखो वापस से लिख देता हूं एक बार और क्लियर हो जाएगा उधर गपशप हो रखी थी देखो वन थाउजेंड रुपीज का रॉ मेटेरियल था लेबर थी आपकी वन थर्टी रुपीज की ओवरहेड था आपका वन ट्वेंटी का प्रॉफिट था आपका टू फिफ्टी रुपीज का और ये पंद्रह सौ रुपए हो रहा था और अपन ने सेल्स टैक्स लगाया था वन एटी रुपीज का टू फिफ्टी रुपीज का प्रॉफिट था अब कितना हुआ ये तो वन एट सेवन जीरो अब इनडायरेक्टली हम क्या गवर्नमेंट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है कि भाई डबल टैक्सेशन हटाना है तो आप इस थ्री सेवेंटी पर टैक्स लगा दो अब आप होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना अगर होलसेलर एक ऐसा बिल बनाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्री पे टैक्स लगा हुआ हो तो होलसेलर सामान जब रिटेलर को बेचेगा तो रिटेलर को पता नहीं चल जाएगा कि होलसेलर का वैल्यू एडिशन कितना है रिटेलर को समझ में नहीं आ जाएगा कि इसने कितना वैल्यू एडिशन किया है समझना मेरी बात तो रिटेलर को जब पता चल जाएगा कि होलसेलर का प्रॉफिट कितना है उसका वैल्यू एडिशन कितना है तो भाई वो तो इससे डिस्काउंट मांगेगा वो बोलेगा अरे आप तो इतना पैसा है? मेरे भी बहुत खर्चे हो रहे जो मैं पीछे वो हमसे पैसा लेती है पर स्टूडेंट उस पर जीएसटी लगता है ठीक है तो मैं उनको जीएसटी देके आ रहा हूं मैं उनको टैक्स दे के आ रहा हूं अब सपोज करो मेरा जो वैल्यू एडिशन है मैं सिर्फ उतने पे टैक्स लगाऊंगे सपोज करो आप मेरे को एट थाउजेंड रहे हो और मेरे सपोज करो तीन हजार रुपए का मेरा टैक्सन मतलब कहूं कि आप एक काम करो मैं आपसे जो जीएसटी लगाऊ ना वो पता कितने पे लगाऊ तो आप मेरे से नेगोशिएशन करने नहीं ने ने लग जाओगे आप बोलोगे कि भाई इंसान तो प्रॉफिट कमा रहा है खूब पैसा कमा रहा है तो हम तो इससे नेगोशिएशन करेंगे भाई कौन सा सेलर है जो अपना प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर करेगा कोई नहीं बताता अपना प्रॉफिट मार्जिन तो ये सिस्टम ये जो गवर्नमेंट कह रही है ना कि वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाओ इसका मतलब गवर्नमेंट तो कह रही है कि तो पता चल जाएगा अब क्या करें? तब इन्होंने ऐसा बोला गवर्नमेंट ने होलसेलर को कि भाई साहब आप वन एट सेवन जीरो पूरा का पूरा वन एट सेवन जीरो पे फिर से टैक्स दे दो दैट इजी फोर पॉइंट फोर लेकिन आप जो पुराना टैक्स देके हम आपको उसकी क्रेडिट दे, दे देंगे मतलब आप जो पुराना से, दर वो क्या कह रही है? आप रिटेलर से दो सौ चौबीस टू ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर कलेक्ट कर लो लेकिन आप जो पीछे हो ना वन एटी वो हम आपको कैशबैक दे देंगे तो अगर आप इसमें वन एटी लेस करोगे ना तो इनडायरेक्टली कितना आया फोर्टी फोर पॉइंट फोर आया जो कि अगर आप थ्री सेवेंटी का ट्वेल्व परसेंट करोगे तो भी फोर्टी फोर पॉइंट फोर मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लग गया अब अब सामने वाले को प्रॉफिट मार्जिन भी रिवील नहीं करना पड़ा और काम भी बन गया अब इनडायरेक्टली अभी भी टैक्स कैसे आया अगर थ्री सेवेंटी का ट्वेल्वेंट करोगे कैलकुलेटर में डाल के तो यही अमाउंट आएगा तो वैट के अंदर दोनों समस्याएं क्लियर हो गई है ठीक है वैट के अंदर दोनों समस्याएं क्लियर हो गई है आया कि नहीं आया समझ में यहां तक किस किस को क्लियर है किस किस को डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसी को कोई डाउट है तो भी बताओ और क्लियर है तो भी बताओ वैसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे ये पर आप समझ बिफोर वैट दो और और इसमें डबल टैक्सेशन हो हो रहा था और tax tax हो रहा था था टैक्स 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 ऑन ऑन तो tax tax तो अपन वैसे हटा दिया अपन ने क्योंकि यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और डबल टैक्सेशन कैसे हटाया अपन ने पीछे वाले की क्रेडिट दे ठीक है तो क्रेडिट सिस्टम तो वैट से ही चला आ रहा है जीएसटी में भी क्रेडिट सिस्टम है आई करके जो है तो क्रेडिट सिस्टम क्या है वो तो अभी जीएसटी में भी है ठीक है तो हर किसी को क्लियर है यहां तक कोई डाउट ये कैसे क्लियर हुआ है ना डायरेक्टली थ्री सेवेंटी पर टैक्स लगाते तो प्रॉफिट मार्जिन रिवील हो जाता वो जो कि कंडा नहीं था तो अब क्रेडिट दे देंगे ठीक है सर नेट टैक्स से भी तो वैल्यू एडिशन का पता चल जाता होगा देवेश शर्मा भी क्लियर होगा तुम्हें तो। देवेश शर्मा तुम कोई सामान सौ रुपए का खरीद के लाए सुनना मेरी बात सौ रुपए का तुम एक सामान खरीद के लाए जिसमें दस रुपए का तुम टैक्स देके आए और वही सामान तुमने वन फिफ्टी रुपीज में बेचा और फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज का टैक्स कलेक्ट कर लिया नेट तुमने फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया टेन रुपीज की तुमको क्या मिल जाएगी क्रेडिट मिल जाएगी और नेट तुमने फाइव हंड्रेड रुपीज टैक्स देना है गवर्नमेंट को तुम्हारा वैल्यू एडिशन कितना हुआ था पचास रुपए पचास का इनडायरेक्टली दस परसेंट कितना हुआ पांच रुपए का तुमने टैक्स दिया अब इससे कहां पता चल रहा है सामने वाले को कि तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कितना था

कि जो 59, जो पीछा जो पिछला जो टैक्स है ना उसकी आपको क्रेडिट दे दी थी। ठीक है जी थैंक यू मिताली चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हैं भाई इनडायरेक्टली हमें टैक्स किस पे लगाना था रेट कर है, तो थ्री सेवन ट्वेल्व परसेंट करोगे तो फोर्टी करोगे तो 44.4 ही आ रहा है क्योंकि इनडायरेक्टली जो पीछे आप टैक्स देके आए थे ना वन एटी रुपीज का पंद्रह सौ रुपए पे तो फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज हम ले तो आए यहाँ पे बट फिफ्टी हंड्रेड रुपीजे जो टैक्स पे किया था आपने उसका कैशबैक मिल गया हंड्रेड रुपीज का, तो का कैशबैक मिल गया मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे तो इसी तरीके से रिटेलर पे चलेगा इसी तरह अब आप बोलोगे कि सर जी अब आप क्या बोलोगे कि सर फोर वैट जब ऐसी हाल था बढ़िया मतलब दो चीजें हुई थी टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन तो वैट में तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई वैट में तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई कि भाई डबल टैक्सेशन भी हट गया टैक्स ऑन टैक्स भी हट गया वाई जीएसटी काहे जरूरत पड़ गई जीएसटी लाने की जब सब अच्छा ही चल रहा है तो वाई टू रिप्लेस हर समझ रहे मतलब वाई टू रिप्लेस दिस क्यों हटाना है इसको अब आप समझना जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी भैया अच्छा वैट में भी दो है, एक वैट और एक CST. ये तो हमने आपको वैट के बारे में बताया सीएसटी क्या होता था वही मैं आपको बताता हूँ ठीक है सीएसटी क्या होता था वही मैं आपको बताता हूं ध्यान तो सुनना वैट हर स्टेट लगाता था अपना पता है क्या सीन था बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना अगले आधे घंटे आपको पूरा मजा आएगा समझ में आएगा वैट जो सेलिंग स्टेट होता था ना जो सामान बेचता था वो जीएसटी था।, था, था सेलिंग स्टेट लगाता था वैट आपका ठीक है सपोज करो सेलिंग स्टेट है राजस्थान मतलब जयपुर से आपका सामान उदयपुर से, सेल हो रहा है जयपुर से उदयपुर मुंबई टू पुणे ऐसा सेल हो रहा है सेम स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब दिक्कत पता है कैसे आई बताता हूं आपको रियल लाइफ का केस बता रहा हूं रियल लाइफ का केस कि दिक्कत कैसे आई दिक्कत ये थी रियल केस बताता हूं कि दिल्ली से सामान महाराष्ट्र बेचा दिल्ली से सामान मुंबई बेचा महाराष्ट्र में बेचा अब दिल्ली में ही टैक्स लगना चाहिए ना सेलिंग स्टेट को टैक्स लगाना चाहिए ना तो दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स लगा के अपने पास रख लेगी ठीक है ठीक है पर अब क्या हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि हमें भी टैक्स दो ये मैं आपको बता रहा हूं सीएसटी कैसे आया जीएसटी कैसे नहीं आया अभी उस पर चर्चा करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं वैट और सीएसटी दो तरह के टैक्स होते थे ना वैट स्टेट पे लगता था सीएसटी सेंटर पे लगता था तो अब ये सेंट्रल टैक्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी CST, VAT का तो आपको बताया भाई वैट और CST लाने का बेसिक था कि डबल का सिस्टम ये तो हट गया। अब दिल्ली से जब सामान महाराष्ट्र गया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती कि हम भी टैक्स लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में केस गया ठीक है अब कोई पर्सन है कोई कोई इंडिविजुअल इंसान है वो दो दो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देगा सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खोला और उसमें लिखा हुआ था कि सेलिंग और परचेज स्टेट सेलिंग ऑब्लिक परचेज स्टेट जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ था एंट्री नंबर फिफ्टी फोर के अंदर ठीक है लिस्ट टू मतलब जो स्टेट लिस्ट दे रखी है उसके अंदर एंट्री नंबर 54 में लिखा हुआ था कि सेलिंग या परचेज स्टेट वैट लगा सकता है तो भाई प्रथा ये चली आ रही थी कि जो सेलिंग स्टेट है वो भी टैक्स लगाता है पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मांग लिया और सुप्रीम कोर्ट तो क्या बोलता है वो तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है अब उसमें लिखा हुआ था कि भाई परचेज परचेज स्टेट स्टेट भी लगा सकता है सेलिंग ऑब्लिक तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है महाराष्ट्र भी, भी लगाएगा अब दो दो बार टैक्स हो गया है तो दो बार टैक्स हो गया अब गवर्नमेंट बोली भाई महाराष्ट्र ने अच्छा तो नहीं किया ये काम अब गवर्नमेंट ने बोला अब एक काम करते हैं चेंज लाते हैं

बिल्कुल आप देखो ध्यान से समझना कोई केस है दिल्ली से सामान गया महाराष्ट्र ठीक है कोई सामान था दिल्ली का सेलर था और बायर कहां था महाराष्ट्र का टैक्स कौन देता है टैक्स बायर देता है टैक्स बायर देता है तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो बंदे को जो बायर था कि आप सी का पेमेंट हमको करो सेंट्रल गवर्नमेंट को करो

कि अल्टीमेटली सेलिंग स्टेट को पैसा मिले जो परचेजिंग स्टेट है ना वो नाटक ना करे पर यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 54 में वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि सेल्स ऑब्लिक पे लगाओ तो गवर्नमेंट बोली यार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे नाटक होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना आसान काम थोड़ी है टू थर्ड की मेजोरिटी चाहिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है इतने मेंबर्स भी तो होने चाहिए वो तो अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है फुल मेजोरिटी के साथ पहले तो मिल जो, जोड़ने वाली गवर्नमेंट बनती थी

अब आप समझना की सीएसटी इसलिए आया वैट इसलिए आया अब आप बोलोगे सर बढ़िया तो चल रहा है सब तो बिफोर वैट डबल टैक्सेशन टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था वैट और सी एस टी में क्या हुआ कि दोनों चीजें हट गई फिर वाई जीएसटी अब मैं आपको एक केस बताता हूँ जीएसटी क्यों आया आप खुद समझ जाओगे की जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी ठीक है मेन पर्पज क्या था वैट लाने का डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स हट जाए इसलिए अब इस केस को आप ध्यान से सुनना केस नंबर वन क्या बोलता है मान के चलो कि कोई पर्सन है कि कौन पर्सन है जैसे मान के चलो अपने ऋषभ ऋषभ साहू है ऋषभ मिस्टर ऋषभ करके एक पर्सन है है ना जी अब मिस्टर ऋषभ ने क्या करा कोई सामान परचेज करा मिस्टर ऋषभ कहाँ रहते हैं मिस्टर ऋषभ रहते हैं आपके पुणे में रहते हैं पुणे के अंदर मिस्टर ऋषभ रहते हैं उन्होंने कोई सामान परचेज करा उस सामान का वैल्यू था वन थाउजेंड रुपीज है ना जी और उसपे उन्होंने वैट वैट दिया मतलब अपने महाराष्ट्र में परचेज किया होगा मिस्टर ने कोई सामान तो को ने क्या करा ये सामान किसको बेच दिया मिस्टर मयंक को बेच दिया मिस्टर ऋषभ ने को बेच दिया अब कैसे बेचेगा देखो सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना मिस्टर ऋषभ ने सोचा कि भाई हजार रुपए का मैं सामान खरीद के लाया था सौ रुपए का टैक्स लेके आया था ग्यारह सौ रुपये होगा महाराष्ट्र के अंदर उसको मिस्टर ऋषभ ग्यारह सौ रूपये दे आए थे अब मिस्टर ऋषभ जो कर रहे हैं वो ऋषभ मयंक को सामान बेच रहा है तो अब कैसे कैसा होता है देखो ऋषभ ने बोला हजार रुपये तो मेरा वैल्यू था अब आप बोलोगे ग्यारह सौ रुपये क्यों नहीं लिखा वैल्यू मैंने तुम्हें बताया था ना कि वैट के अंदर

तो क्या हो गया वैट लगाया 150 का और समझ रहे मेरी बात कोई दिक्कत तो मयंक ने अपनी जेब से कितना गवर्नमेंट तो को समझ पा रहे हो मेरी बात ऋषभ को कितना टैक्स देना पड़ा फिफ्टी रुपीज टैक्स देना पड़ा नेट क्योंकि सौ रुपये क्रेडिट मिल गई और वन फिफ्टी रुपीज का टैक्स कलेक्शन हो गया तो आप मुझे एक बात बताओ इस ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत आई क्या इस ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत आई यहां तक भाई ऋषभ ने क्या करा फिर से मैं रिपीट करता हूँ ने क्या किया कोई सामान परचेज किया वन थाउजेंड रुपीज उसकी वैल्यू थी ऋषभ ने अपने ही स्टेट में महाराष्ट्र में परचेज किया हुआ किसी भी पर्सन से जिस पे वो टेन रुपीज टेन परसेंट का जीएसटी देके आया आ, वैट देके आया हंड्रेड रुपीज ग्यारह सौ रुपए में ऋषभ ने नेट वो सामान खरीद लिया ऋषभ अब वो सामान मयंक को बेच रहा है उसमें पांच सौ रुपए प्रॉफिट जोड़ के बेच रहा है अपना फाइव हंड्रेड रुपीज प्रॉफिट एड करके बेच रहा है तो यहाँ पे वैल्यू अपन वन थाउजेंड लेंगे ना कि इलेवन हंड्रेड लेंगे क्योंकि वो अपन पहले ही सीख चुके और फाइव हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट एड हुआ तो फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज में वो सामान बेच रहा है और वैट कलेक्ट किया वन फिफ्टी तो सेम गवर्नमेंट को टैक्स मिला भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वन फिफ्टी रूपीज का टैक्स मिला और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हंड्रेड रुपीज का टैक्स दिया था तो कोई दिक्कत नहीं आई फिफ्टी रुपीज का नेट टैक्स पे कर दिया किसने ऋषभ ने गवर्नमेंट को कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक क्लियर है ठीक है अब आप बोलोगे कि यार बढ़िया तो है फिर जीएसटी क्यों आगे रुको अभी अभी तो केस वन हुआ है ठीक है अब केस केस क्या बोल रहा है मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स करके कोई पर्सन है जो जयपुर में रहते हैं जी है ना अब ऋषभ को चलने देते हैं चलो जी अब ऋषभ करके जो पर्सन था अपना वो पुणे में रहता है उसने कोई सामान परचेज किया था कितने रुपए में वन थाउजेंड रुपीज में परचेज किया था और उस पर वो वैट दे के आया था टेन परसेंट का हंड्रेड रुपीज का इलेवन हंड्रेड रुपीज में नेट खरीद के लाया था अब जो मयंक है ना मयंक रहता है दिल्ली में मयंक रहता है भाई साहब दिल्ली के अंदर ऋषभ ने सामान मयंक को बेचा कितने में वही वैल्यू हजार रुपए और प्रॉफिट फाइव हंड्रेड रुपीज में फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज में मयंको बेचा और अब की बार यह क्या है इंटर स्टेट सेल हो गई सी है ना जी इंटर स्टेट सेल हो गई तो अब वन फिफ्टी रुपीज का पैसा क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंग दे मैंगी रुपीज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंग दे देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी ये पैसा जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देगी क्योंकि ऋषभ तो पुणे का है ना तो समझना मेरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी वन फिफ्टी रुपीज का पैसा जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देगी और जो देके हंड्रेड रुपीज ने जमा थे ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट देने में कोई दिक्कत सॉरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रेडिट देने में कोई दिक्कत आई थी क्या कोई दिक्कत नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है कि सौ रुपए दिए थे ना वो भी हमको दिए थे पहले और डेढ़ सौ रुपए भी आप ही हमें ला दे रहे हो मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट लाके दे रही है वन फिफ्टी रुपीज हमें कोई दिक्कत नहीं वन फिफ्टी रुपीज आपने हमें लाके दिए सौ रुपए हमारे पास ऑलरेडी जमा है तो आप नेट टैक्स दे दो हमको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे भी कोई डबल टैक्सेशन नहीं हुआ आप बोलो कि सर बढ़िया तो है फिर जीएसटी क्यों केस वन में भी जीएसटी नहीं आया केस टू में भी जीएसटी नहीं आया इस केस में कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ भाई इस इस केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोई तकलीफ होनी चाहिए क्या भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्यों तकलीफ होगी सीएसटी का पैसा भी तो सेलिंग स्टेट को देते हैं वन तो फिफ्टी रुपीज दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो सेम स्टेट था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डेढ़ सौ रुपए मिल गए और हंड्रेड रुपीस की क्रेडिट पड़ी थी उसके पास वो भी तो उन्हीं के पास थी ना तो मिल गया कोई दिक्कत ही नहीं यहां तक कोई डाउट यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए है तो फिर भी बता दो तो अभी भी बढ़िया ही चल रहा है सब अब केस नंबर थ्री पे आ जाते हैं केस नंबर थ्री पे आ जाते हैं केस नंबर थ्री ऐसा है कि जो ऋषभ है अपना वो कहां का है जी दिल्ली का है सॉरी कहां का था पुणे का था ऋषभ ठीक है ठीक है पुणे का सब लोग बताया करो जब मैं पूछू ना कि यार क्लियर हुआ नहीं हुआ तो सारे लोग लिखा करो नहीं हुआ तो भी बोला करो नहीं बोल के अपना ही नुकसान करा रहे हो आप बताया करो ऋषभ कहां का था पुणे का था ध्यान से सुनना उसने कोई सामान परचेज किया था वन थाउजेंड रुपीज का उस पर वो वैट दे के आया था बड़ा दुखी कर रहा है बार बार सामान परचेज किया वैट दे के आया ठीक है ने क्या किया वन थाउजेंड रुपीज का सामान परचेज किया और वैट देखा इलेवन हंड्रेड इसने बेच दिया, दिया मयंक को मयंक कहां का था दिल्ली का था मयंक कहाँ का था भाई साहब दिल्ली का था और मयंक को कितने में बेचा इसने सामान वैल्यू थी वन थाउजेंड और प्रॉफिट अपना ऐड किया था फाइव हंड्रेड रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज का सामान क्या किया इसने मयंक को बेच दिया और सी एस टी लग गया उस पे एट द रेट टेन परसेंट डेट इज वन फिफ्टी रुपीज का है ना इतने का क्या लग गया सी एस टी लग गया वन सिक्स फाइव जीरो का कलेक्शन किससे हो गया मयंक से हो गया तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्रेडिट मिल गई थी क्योंकि क्या होगा सेलिंग स्टेट क्या ना सेलिंग स्टेट है महाराष्ट्र तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी वन फिफ्टी रुपीज का पैसा देके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगी और उसको क्रेडिट दे देगी दे सौ रुपए की वो तो पिछले केस में देख लिया अपन ने अब क्या हो रहा है ये वाला सेम केस तो अभी उतना ही है जितना पिछले केस में था सेम ही है वो तो अभी तक अब मयंक ने सामान किसको बेच दिया आगे हरदेव को बेच दिया मयंक ने सामान ये हरदेव को बेच दिया और हरदेव कहां का था जी अब हरदेव था आपका जयपुर राजस्थान का जयपुर भी छोड़ो हरदेव था आपका दिल्ली का ही था जी हरदेव दिल्ली का ही था ठीक है हरदेव आपका कहां का है दिल्ली का ही है अब वैल्यू कितनी होगी वैल्यू फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज होगी और इसने भी अपना किया फाइव हंड्रेड रुपीज टू थाउजेंड में बेचा इसने अब ये क्या करेगा वैट कलेक्ट करेगा कि सी एस टी तो भैया सेम स्टेट है तो वैट ही कलेक्ट करेगा ना चलो जी तो कितना वैट आया टू हंड्रेड रुपीज का इसके पास वैट आ गया तो टोटल ट्वेंटी टू हंड्रेड इसने कलेक्ट कर लिया अब आप समझना मेरी बात अब मयंक जो है मयंक ने सामान हरदेव को बेचा मयंक जो कि वन फिफ्टी का टैक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देके बैठा है मयंक क्या कर रहा है डेढ़ सौ रुपए का टैक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देके बैठा है 150 का टैक्स और मयंक ने यह सामान हरदेव को बेचा जो कि दिल्ली में ही रहता है कितने में बेचा टू थाउजेंड में बेचा प्रॉफिट था फाइव हंड्रेड रुपीज का ठीक है जी अब यह पैसा किसके पास जाना चाहिए यह पैसा जाना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास सेलिंग स्टेट कौन है दिल्ली गवर्नमेंट तो टू हंड्रेड का कलेक्शन आया 200 रुपीस का कलेक्शन आया दो सौ रुपए का आया कि नहीं आया अब मयंक क्या कह रहा है दिल्ली को? दिल्ली गवर्नमेंट गवर्नमेंट को को मयंक कह रहा है कि केजरीवाल जी को कह रहा है केजरीवाल जी देखो दो सौ रुपए तो हरदेव ने दे दिए और वन फिफ्टी रुपीज का मैं टैक्स देके आ गया तो आप मेरे को क्रेडिट दे दो वन फिफ्टी की तो मैं आपको नेट फिफ्टी रुपीज का टैक्स दे देता हूँ केजरीवाल जी बोल रहे हैं तुम तो डेढ़ सौ रुपए का टैक्स किसको देके आया हमारे पास तो नहीं है कब कौन सा टैक्स

हमको थोड़ी देर क्या आया तू तो मैं गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कि मैं आपको टैक्स दिया था हमको दे दो ना वापस से महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही आजा ले ले कोई नहीं देगा भैया क्यों देंगे बताओ ना तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल दे वो हमारा हो गया हम नहीं देंगे वापस हम क्यों देंगे केजरीवाल जी बोल रहे तू हमको देके ही नहीं आया तो क्रेडिट कैसे देंगे तेरे को हम अब दिक्कत हो गई भाई अब दिक्कत आई समझ लो कैसी दिक्कत आई मयंक को मयंक को कैसे दिक्कत आई मयंक को मयंक देके तो आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पीछे और आगे देना है दिल्ली गवर्नमेंट को अब दिल्ली गवर्नमेंट क्रेडिट सेटअप करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि वो बोल रही है दूसरे स्टेट को आए थे तो हमसे क्रेडिट क्यों मांग रहे हो हमसे क्रेडिट क्यों मांग रहे हो भाई साहब है कि नहीं दिक्कत अब सपोज करो जगह दिल्ली की जगह अगर अगर जयपुर का होता तो भी दिक्कत आती दिक्कत कैसे आती दिक्कत ऐसे आती कि भाई सीएसटी तो लग गया पर समझना अब इनडायरेक्टली जो मयंक वन फिफ्टी रुपीज किसको देके आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और अब टू हंड्रेड रुपीज देना है राजस्थान गवर्नमेंट को तो भी अब समझना समझना मेरी बात आया भी सी एस टी मयंक के पास मयंक दे के भी सी एस टी आया है लेकिन तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि ये वाला जो सी एस टी का पैसा है ना ये वाला जो सी एस टी का पैसा है ये सेलिंग स्टेट दिल्ली के पास जाना चाहिए और ये वाला जो सी देके आए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो दिक्कत आ रही है तो इनडायरेक्टली अब आप इस प्रोसीजर में ना घुस के आप इतना समझो कि भाई आपस में स्टेट कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे आपस में स्टेट कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे ये प्रोसीजर जो वैट वाला था ना ये सक्सेसफुल कब तक था ये सक्सेसफुल तभी तक था जब सेम स्टेट को सेम स्टेट में काम चल रहा हो मतलब आने वाला टैक्स भी उसी स्टेट को मिले जहां से आप सामान परचेज करके लाए थे तब तो वो सेट ऑफ करने के लिए रेडी था सेम स्टेट तो पर अगर यहीं पे भी ऐसा हो रहा है ना कि सेलिंग स्टेट दूसरा स्टेट अगर हो गया तो फिर क्रेडिट नहीं मिल पा रही थी जैसे अपन ने देखा कि भाई मयंक ने सामान आप इनडायरेक्टली समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं मयंक ने सामान क्या किया हरदेव को बेचा आप भले दिल्ली में बेचाओ वैट लगवाया हो तो भी दिल्ली की गवर्नमेंट इसको क्रेडिट नहीं दे रही है क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट कह रही है कि हमको टैक्स थोड़ी मिला है टैक्स तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देके आए हो उनसे लो फिर क्रेडिट उनसे मांग के लाओ पैसा हम तो नहीं देंगे क्रेडिट क्योंकि हमको आपने टैक्स ही नहीं दिया इनडायरेक्टली दिक्कत ही आ रही थी वैट में ठीक है तो अब क्या हो गया भैया वैट में फिर भी अब डबल टैक्सेशन हो ही रहा है ना इनडायरेक्टली क्योंकि अब क्रेडिट नहीं मिलेगी इसको बैंक को अब इसको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा टू हंड्रेड रुपीज क्रेडिट ही नहीं मिल रही थी इसको तो वैट में प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई लेकिन कुछ हद हाँ तक ही हो पाई कुछ हद हाँ तक ही हो पाई क्योंकि स्टेट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था किस किस को यह वाली चीज क्लियर हुई और किस चीज को नहीं हुई ऑनेस्टली बता दो मेरे को कौन सी आपकी शक्ल दिख रही है जो आप फेस तो फेस टू बैठे नहीं हुई अच्छा क्लास से बाहर मैं ऐसे कर दूंगा बताओ किस किस को क्लियर हुई किस किस को नहीं हुई अब अपन पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में अपन ने अभी सबसे पहले पढ़ा कि भाई देश में जिस दिन इंडायरेक्ट टैक्स आया तब क्या चलता था फिर वैट में डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स की समस्या तो दूर हुई लेकिन कुछ हद तक सही हो पाई पूरी नहीं हो पाई अब इसलिए वैट भी फेल हो गया इसलिए वैट इसलिए वैट भी फेल हो गया आप क्योंकि यहां पर भी दिक्कत आ रही थी अब आते हैं अपन करंट सिचुएशन पे जीएसटी पे ठीक है अब जीएसटी में क्या हो रहा था ध्यान से सुनना अब जीएसटी अपन बोलते हैं जीएसटी एक टैक्स है पर हकीकत तो जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम है जैसे वैट था वैट भी कोई टैक्स का नाम नहीं है जीएसटी भी टैक्स का नाम नहीं है जीएसटी टैक्स गलत है जीएसटी को टैक्स नहीं है जीएसटी एक सिस्टम है टैक्सेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिससे कभी भी टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन लगे ही नहीं एक ऐसा सिस्टम है जीएसटी ठीक है अब आप ध्यान से सुनना अब जीएसटी का बैकग्राउंड पढ़ते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको अच्छा लगेगा जीएसटी तभी से आना चाहता था जब वैट आया था ना देखो वैट लाना आसान था वैट लाना आसान क्यों था कि इंडिपेंडेंट स्टेट को वैट लॉन्च करना था अब हर स्टेट अपने अपने स्टेट में अपने हिसाब से वैट लेके आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था NTW थी वैट ला रहे थे जीएसटी का प्रपोजल ये था 2004 के अंदर जब अटल जी की गवर्नमेंट थी भाजपा की सरकार थी ये लोग तभी से जीएसटी लाना चाहते थे ठीक है अब जीएसटी लाने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंट्री डलवाना भाई समझ रहे मेरी बात कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होगा वो पता है कब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट अब आप ध्यान से सुनना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट तब होता है जब थर्ड मेजोरिटी के साथ टू थर्ड मेजोरिटी के साथ लोकसभा और टू थर्ड मेजोरिटी के साथ राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स है ना लोकसभा में और राज्यसभा में टू थर्ड मेंबर अगर किसी डिसीजन के फेवर में हाँ कर दें, टू थर्ड लोकसभा में और टू थर्ड राज्यसभा में ठीक है और फिर प्रेसिडेंट साइन कर दे उस पर वो तो कर देता है, है ना और फिर प्रेसिडेंट साइन कर दे तब जाके कोई भी डिसीजन तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है टू थर्ड लोकसभा टू थर्ड राज्यसभा अब ये तभी पॉसिबल है जब एक तरफा सरकार हो मेजोरिटी की गवर्नमेंट हो कहां पे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी तभी पॉसिबल था ये ठीक है और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा कुछ ऐसा अमेंडमेंट लाने वाले हो कुछ ऐसा चेंज लाने वाले हो जिससे स्टेट भी अफेक्ट हो रहे हो जिससे क्या हो रहा हो स्टेट भी अफेक्ट हो रहे हो तो फिर स्टेट की भी मंजूरी लगती थी फिर स्टेट्स का भी अप्रूवल लगता था भाई टू थर्ड लोकसभा टू थर्ड राज्यसभा और स्टेट्स का भी अप्रूवल लगता था फिर अब आप देख रहे हो कितना मुश्किल था तो अटल बिहारी जी की जो गवर्नमेंट थी ना अभी मोदी जी की गवर्नमेंट तो एक तरफा गवर्नमेंट चल रही है ठीक है मोदी जी का लोकसभा में तो है टू थर्ड राज्यसभा में नहीं है अब अटल जी की जो गवर्नमेंट थी वो तो अलायंस वाली गवर्नमेंट थी टू थर्ड छोड़ो अपने तो खुद की गवर्नमेंट इस प्योर नहीं थी पूरी नहीं थी खुद की अब क्या हो रहा था दिक्कत आ गई अब वो जीएसटी उसी टाइम से लाना चाहते थे अटल जी ने क्या किया था जब एक पहले ही कमेटी बना दी थी जीएसटी लाना दो से चाहते थे लेकिन इस पर रिसर्च इस पर काम पहले शुरू कर दिया था इन्होंने इस पे काम क्या कर दिया था पहले शुरू कर दिया था तो टू वन टू के अंदर ही एक कमेटी बनाई विजय केलकर कमेटी विजय केलकर एक बहुत सीनियर लेवल के आई ऑफिसर थे उस टाइम रिटायर्ड होने वाली पोजीशन में थे अब आप समझ लो 50-55 की एज के आसपास होंगे ठीक ठीक है थीक है तो विजय केलकर क्या थे एक बहुत ही सीनियर लेवल के ऑफिसर थे उनके अंडर में कमेटी बैठी जो पूरा जीएसटी मॉडल ड्राफ्ट करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई दो हजार में जिसने 2004 में पूरा मॉडल तैयार कर दिया जीएसटी का और बोल दिया विजय केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन आया कि वही जीएसटी ला सकते हैं जीएसटी लाने की बात चली लेकिन कांग्रेस ने क्या करा हाय हुल्ला शुरू सपोर्ट ही नहीं करा भाई सपोर्ट करते अगर सारे मेंबर्स तो काम हो जाता कांग्रेस ने सपोर्ट ही नहीं करा और तो समझना मेरी बात फिर उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस तो कभी जीएसटी लाने के फेवर में थी भी नहीं ठीक है बीजेपी जीएसटी लाना चाहती थी तो जीएसटी का मैटर अटक गया 2014 तक 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही बात ही खत्म हो गई 2014 में जब बीजेपी की लहर थी ना पता चल गया था कि भाई मोदी आएगा तो लोग पता है जो टैक्स प्रैक्टिशनर थे वो ये चाहते थे कि ये तो पता है कि मोदी जी आएंगे पर बोले जो भी सरकार जीते टैक्स प्रोटेक्शन जो भी सरकार जीते ना वो इस तरीके से जीते इतनी मेजोरिटी के साथ जीते कि कल कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी लाना पड़ा ना अब ऐसे अटल जी थे अब किसी नेक कोई इंसान नेक काम करना भी चाहे ना दिल से तो भी नहीं कर पा रहा भले वो प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो क्या करे तो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि विरोधी साथ नहीं दे रहे तो बोले जीतो तो ऐसे जीतो कि मेजोरिटी के साथ जीतो ठीक है अब 2014 में मोदी जी जीते मेजोरिटी के साथ जीते भाई साहब ठीक है अब 2000 अब आप बोलोगे कि फिर जीएसटी 2017 में क्यों आया 14 में क्यों नहीं आया है ना जी ये तो 2017 में आया अब 2014 में क्या हुआ जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई इनका तो एजेंडा था जीएसटी लाना एजेंडा था इमीडिएटली अरुण जेटली जी अरुण जेटली जी को आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से वो अपने देश के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक है अरुण जेटली अभी तो नहीं रहे फाइनेंस की जो नॉलेज उनको थी शायद ही आने वाले दशकों में भी किसी को रहे आने वाले डिकेट्स में भी किसी को रहे तो अब अरुण जेटली जी ने क्या किया 2014 के अंदर ही पूरा जीएसटी वापस ड्राफ्ट कर दिया क्योंकि दस साल हो गए थे ना उस वाले को पुराने वाले को विजय केलकर कमेटी वाले को टू थाउजेंड के अंदर पूरा जीएसटी ड्राफ्ट कर दिया और दे दिया भारत सरकार को पकड़ा दिया कि भैया लॉन्च कर दो अब दिक्कत क्या हुई कि भाई टू थर्ड मेजोरिटी अपनी लोकसभा में तो है टू थर्ड मेजोरिटी अपनी लोकसभा में तो है पर राज्यसभा में अपनी मेजोरिटी है नहीं क्या करें लोकसभा में तो अपनी मेजोरिटी थी मोदी जी की पर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी अब जीएसटी फिर अटक गया फिर अटक गया जीएसटी 2014 के अंदर ही इन्होंने तो अरुण जेटली जी ने ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया कि भैया लगा लो जीएसटी अब दिक्कत क्या हुई उस टाइम तो अपन छोटे थे पता नहीं है स्कूल में पढ़ते होंगे मै, मैक्सिमम आप स्कूल में पढ़ते होंगे 2014 के टाइम ना 2014 के टाइम अब जीएसटी लाना था लेकिन कांग्रेस लाने नहीं दे रही क्योंकि राज्यसभा में मेजोरिटी थी नहीं अपनी ठीक है अब ऐसा प्रेशर बनाया उस टाइम की बात है 2014-15 की जीएसटी की इतनी मार्केटिंग करी इतनी मार्केटिंग करी कि वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स के जीएसटी आ जाएगा देश बदल जाएगा देश का नक्शा बदल जाएगा मतलब देश की फाइनेंशियल सिचुएशन बदल जाएगी इतनी मार्केटिंग करी जीएसटी की और ये ये मार्केटिंग करी कि विरोधी जो कांग्रेस वाले हैं वो जीएसटी लाने नहीं दे रहे उनकी इमेज खराब करी जो ऑटो रिक्शा थे उनके पीछे बोर्ड लगा दिए ऐसे बड़े बड़े मतलब अलग लेवल की मार्केटिंग और 2016 के अंदर 8 अगस्त 2016 की बात है 8 अगस्त 2016 लोकसभा में तो मैटर पास हो गया था राज्यसभा में मैटर तो कुछ YouTube पे अभी भी वीडियो क्लिप्स हैं हैं कि जो भाई सब लोग अंदर जा रहे हैं। ठीक है राज्यसभा के अंदर तो कांग्रेस ही बाहर क्या बोल रहे हैं कि आज हम जीएसटी बिल्कुल पास होने नहीं देंगे आज हम जीएसटी बिल्कुल पास नहीं होने देंगे देखते हैं कैसे सरकार पास करती है और अंदर जाके इतना प्रेशर बनाया उन लोगों पे कि 100% मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में जीएसटी पास हुआ है 2/3 चाहिए था 100% के साथ पास हुआ है तो तब जाके लोकसभा और राज्यसभा तब जाके अब 2016 के अंदर 8 अगस्त 2016 को परमिशन मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया परमिशन मिल गई अब जीएसटी कभी भी लाओ आपकी इच्छा है अब अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया

अब लाया एक जुलाई से था ठीक है ठीक है अब लाया कब से था एक जुलाई से था अब फर्स्ट जुलाई 2017 से जीएसटी आया ठीक है जम्मू कश्मीर में जो जीएसटी आया वो एट जुलाई 2017 से आया आठ जुलाई से आया जम्मू कश्मीर में अब अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपको दस मिनट की कहानी में बता सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आठ जुलाई को क्यों आया क्या मतलब पूरी सिचुएशन आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था अब इसकी अगर आप मुझे अलाउ करें देखो मैं हर क्लास में तो ये नहीं करने वाला ठीक है हमारा पूरा बैच एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा पर मैं चाहता हूं कि आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो मजा आएगा बिल्कुल तो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके एटी प्लस नंबर सेवेंटी फाइव प्लस नंबर कहीं नहीं गए आपके मैं हर चैप्टर के हर एक क्वेश्चन कराऊंगा सब करवाऊंगा लेकिन आप अब

फाइनल खत्म होने पे आ गई है लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं आई इस पे कि जम्मू एंड कश्मीर का मैटर क्या था तो देखो अभी तो आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल आर्टिकल 370 370 हटा दिया है अभी हटाया लेटेस्ट में पहले तो आर्टिकल 370 था था जब भारत आजाद हुआ था ना इंडिया आजाद हुआ था अगली दस मिनट क्लास हिस्ट्री की जो रिकॉर्ड बच्चे हैं चाहे तो स्किप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बोलूंगा मत करना अच्छा लगेगा आपको सुनने में ठीक है अब जब भारत आजाद हो रहा था जब ब्रिटिशर्स इंडिया को आजादी दे रहे थे ठीक है 1947 में। तो भारत के अंदर क्या था कि भाई हर जगह के अपने अपने राजा थे जैसे दिल्ली का राजा अलग चित्तौड़ का राजा अलग है ना अलग अलग राजा थे ठीक है तो ऐसे 565 करके क्या थी रियासतें जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रोविंशियल स्टेट्स रियासतें थी ठीक है तब क्या हुआ जब इंडिया आजाद हो रहा था ना तो मेन लोग कौन कौन से थे एक तो नेहरू जी थे गांधी जी थे नेहरू जी को काफी लोग गाली देते हैं क्यों देते हैं वो बताऊंगा है ना? और जितने भी फाइव सिक्सटी फाइव रियासतें थी मतलब हर जगह के अपने अपने राजा थे अब जब भारत आजाद हो रहा था ब्रिटिशर से पहले अपने राजा प्रथाई तो चलती थी जब इंडिया आजाद हो रहा था ना तो सबको ये बोला गया कि देखो आप या तो इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो आप इंडिपेंडेंट रह लो राजा बन के रहो अपने आप इंडिया में मर्द होना चाहते हो तो इंडिया में मर्द हो जाओ और आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो पाकिस्तान में हो जाओ क्योंकि प्रिपोजल रखा गया कि एक देश बनाएंगे अब और उसको वही सरकार चलाएंगे वहां पर भी तो ऐसे प्रपोजल रखा गया ऐसे <laughs> अब सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप है ना सारे कहने के लिए कहा गया कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो इंडिपेंडेंट रह जाओ भारत में मर्ज होना चाहो भारत में पाकिस्तान में मर्द होना चाहो पाकिस्तान में लेकिन अंदर से तो इच्छा यही थी ना कि इंडिया में मर्ज हो जाए और बड़ा राष्ट्र बने बड़ा नेशन बने सरदार पटेल ने सबको कन्विंस करा सबको सबको गोली सबको बताया कि आपका फायदा इसी में सबको कन्विंस कर लिया उन्होंने एक पूरा लेटर बनवाया जिसमें साइन कर वाइन करवाते थे राजा के जिससे ये हो जाता था कि हाँ भाई अब उसने साइन कर दिया मतलब अभी इंडिया में मर्ज हो गया सब लोग मान गए दो साल के अंदर ठीक है मैं आपको एक बात बताऊं अगर कभी आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती थी कि आपको सपोज करो महाराष्ट्र जाना है ना और रस्ते में गुजरात आ रहा है तो आप बो, आप पता है क्या बोलते कि गुजरात देश से होता हुआ मैं महाराष्ट्र के देश में पहुंचा राजस्थान से एक वीजा लगता आपका ये सिचुएशन हो सकती थी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते उनकी डेथ हो गई थी नाइनटीन फिफ्टी के अंदर लेकिन दो साल में इतन... उन्होंने जो काम किया ना वो आप सोच भी नहीं सकते अपन को पता ही नहीं है क्योंकि अपने हिस्ट्री देखी नहीं अगर उस टाइम ये नहीं होता किसी और कोई काम मिलता मान चलो नेहरू जी को मिलता गांधी जी को तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो कर पाते इस काम को जिस तरीके से उन्होंने किया कि सबको सब लोगों को, को, लो को कन्विंस करा 565 लोग इतने लोग थे इनको कन्विंस करके बोला कि आप इंडिया में मर्ज हो जाओ ठीक है लेकिन तीन लोग ऐसे थे तीन जगह ऐसी थी जो कौन थी एक हैदराबाद एक जूनागढ़ जो कि आज गुजरात के अंदर है और एक जम्मू एंड इन कश्मीर इन्होंने अपनी दिखा दी इन्होंने बोला कि हमको नहीं रोना हमको इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं ठीक है लेकिन थोड़े ही टाइम बाद जूनागढ़ का तो समझ में आ गया था कि अकेले भाई समझना मेरी बात आप एक इंडिया का मैप ऐसे करके ठीक है इंडिया का मैप ऐसे करके है और आप इंडिया के मैप के अंदर ही कहीं फॉल कर रहे हो आप अलग से रहना चाहते हो समझ रहे हो मेरी बात कैसे रह पाओगे किसी दिन अटैक करके लपेट लेंगे आपको मतलब एक ऐसी जगह हो गई समझना मेरी बात जैसे अभी इंडिया का ये मैप है मैप प्रॉपर नहीं बन पा रहा इंडिया का मैप है अब यहीं पे आप कहीं फॉल कर रहे हो और आप एज अ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो कैसे रहोगे ठीक है तो अब जूनागढ़ में क्या हुआ वहां के अब जूनागढ़ में जूनागढ़ से प्रेशर आया कि भाई हमको तो भी इंक्लूड कर लो सरदार पटेल क्या बोले कि नहीं अब नहीं करेंगे ज्यादा नाटक करे थे ना तुम तो वहां पर वोटिंग करवाई कितने लोग चाहते हैं वहां के कि भाई इंडिया में इंक्लूड होना तो नाइनटी नाइन परसेंट लोग चाहते थे कि भाई हम इंडिया में इंक्लूड हो जाए तो जूनागढ़ भी अब इंडिया में मर्ज हो गया और हैदराबाद को भी इंडिया में मर्ज करवा लिया अब बचा एक जम्मू एंड कश्मीर ठीक है अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि यहाँ के लोग बेसिकली मुस्लिम थे तो जो जिन्ना था ना जिन्ना को लगता था कि भाई कश्मीर तो अपना ही है अगर आप वोटिंग भी करवाओगे ना

मतलब दोस्त मतलब उठना बैठना था उन्होंने उनको समझाया कि यार आप खुद सोचो दो कंट्रीज के बॉर्डर पे हो आप दो कंट्रीज के बॉर्डर पे हो आप कभी ना तो ये कभी भी ये लपेट सकता है नहीं तो ये लपेट देगा दो कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में आप कैसे रह लोगे इंडिपेंडेंट उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली आप रह सकते हो एज पर लॉ क्योंकि ऑप्शन है आपके पास बट समझदारी इसी में कि, कि किसी में मिल जाओ वरना आपके फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी आपकी आवाम को आपकी जनता को दिक्कत होगी ऐसा उनको समझाया गया नहीं माने ठीक है हरि सिंह थे जो हिंदू थे पर वो ऐसे थे कि उनको जनता से कोई ज्यादा मतलब मतलब था नहीं मैं आज ये कहानी बता रहा हूँ आपको जम्मू एंड कश्मीर हर जगह हम पढ़ते थे ना पता तो चले अब उनको जनता जनता से कोई मतलब नहीं था वही शौक थे उनके एकदम घूमना गोल्फ खेलना मजे करना है ना वैसे शौक थे जनता उनकी मैक्सिमम मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू था ठीक है अब भाई सब सब काम सेटल हो गया भारत आजाद हो गया सब सेट हो गया अब इन्होंने क्या किया पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर 1947 में कश्मीर जम्मू कश्मीर लेने की सोच ली अटैक पाकिस्तान के लोग भेज दिए पाकिस्तान के आर्मी अटैक करने जम्मू एंड कश्मीर पर ठीक है अब वो जो राजा थे हरी सिंह उनकी खुद की आर्मी थी जम्मू एंड कश्मीर की खुद की आर्मी थी उनको लगा कि भाई आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है हम भी लड़ लेंगे वो अलग ही टशन में 23 अक्टूबर 1947 के अंदर वो आर्मी उरी पहुंच गई कौन सी पाकिस्तानियों की उरी जो अभी आप मूवी भी देखेंगे उरी उरी तक पहुंच गए भाई ये भैया अक्टूबर को तो। जो कि श्रीनगर से मात्र सौ किलोमीटर दूर था अब इनको श्रीनगर में हमला बोलना था राजा हरि सिंह श्रीनगर में रहता था ठीक है अब 100 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुके तेईस अक्टूबर तक ठीक है अब राजा का एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम था राजेंद्र सिंह उन्होंने बोला कि सर जी आप समझो अपनी जो आर्मी है ना राजा को अलग ही घमंड था कि यार अपनी आर्मी बचा लेगी हमारी आर्मी बहुत जरूर है और राजेंद्र सिंह ने बताया कि सर जी अपनी आर्मी में सत्तर परसेंट लोग मुस्लिम है इनडायरेक्टली उनका मन क्या पता वहां से वो लो लोग बोल दें कि हम जम्मू एंड कश्मीर को इस्लामिक बना देंगे है ना जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसा कर देंगे कि भाई हम मुस्लिम में रह पाएंगे समझ रहे हो तो बोले सर क्या पता कि वो उनको मैनिपुलेट कर लें आप क्यों इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो राजा नहीं माना और एक्चुअल में यही हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर की जो आर्मी थी वो भी उनके साथ मिल गई तो अब तो भैया लेने के देने हो गए ठीक है राजा के कोई इच्छा नहीं थी यहाँ पे मर्ज होने की इंडिया में कैसे मर्ज हुआ वो देखो अब राजा ने बोला कि भाई अब तो दिक्कत हो गई तेईस अक्टूबर को उरी तक पहुंच चुके हैं वो सौ किलोमीटर दूर थे और राजा अब श्रीनगर से भाग चुका था ठीक है राजा ने हेल्प मांगी भारत सरकार से कि मेरी मदद करो अब भारत सरकार में उस टाइम सबसे सीनियर आई ऑफिसर थे वीपी मैनन करके वीपी मैनन है ना वीपी मैनन सेक्रेटरी थे वो उनको भेजा गया नेहरू जी ने भेजा कि भाई देख के आओ क्या समस्या है पूछो तो उन्होंने समस्या बताई ठीक है और राजा ने बोला कि आप हमारी मदद कर दो तो वीपी मैनन क्या मैसेज लेके आए राजा का और नेहरू जी पटेल जी सब बैठे हुए थे उनको बोला कि मदद मांग रहे हैं अब नेहरू जी पटेल जी तो मदद कर भी देते पर जो तो लॉर्ड माउंट बैटन था ना वो ना उससे चिड़ गया था क्योंकि उसको खूब समझाया कि तू किसी एक में मर्द हो जा अगर वो शुरू में भी कह देता ना कि मैं पाकिस्तान में मर्द होना चाहता हूँ तो हो जाता इंडिया कुछ नहीं कर पाता क्योंकि तो वहां की जनता भी यही चाहती थी उस टाइम पे पर हो जाता पर लॉर्ड माउंट बैटन ने क्या किया खूब समझाया वो माने नहीं अब लॉर्ड माउंट बैटन ने यह बोला नेहरू जी को और पटेल जी को कि भैया आप क्यों मदद कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में उसको बोलो कि अगर मदद चाहिए तो इंडिया में मिल मिलते मदद करेंगे क्यों मदद करें हम उसकी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है भाई आइडिया सही लगा नेहरू जी बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं पटेल जी बोले नहीं अब मिलाएंगे अब बढ़िया मौका है एकदम है ना दुश्मन को भाई सामने वाला वैसे तो आ नहीं रहा यह सही मौका है अब हरि सिंह को बोला कि आप इंडिया में मर जाओ हरि सिंह बोला मैं तो नहीं हूंगा राजेंद्र सिंह ने बोला जो उनका ब्रिगेडियर था कि भाई साहब क्या चाहते हो आप बर्बाद हो जाएंगे कि हमको आपको भी मार देंगे मैं, मैं भी मरूंगा सब मरेंगे और इनडायरेक्टली फिर हम हम पाकिस्तान में वैसे मर्ज होना है और वो पाकिस्तान में मर्ज नहीं होना चाहते थे हरी सिंह क्योंकि वो खुद हिंदू थे अब सीन क्या था जबरदस्ती अब तेईस अक्टूबर को पाकिस्तान के जो लोग थे मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो फुल अटैक के मूड में आ चुकी थी अब राजेंद्र सिंह अपनी सेना लेके गए जो कि सेना आधी अधूरी दूरी से सेना बची थी अब एक रास्ता था श्रीनगर तक पहुंचने का उसमें एक ब्रिज आता था रास्ते में उन्होंने वो ब्रिज तोड़वा दिया इकलौता रास्ता था था कि कि ब्रिज 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 के होते हुए आप आओगे वो ही तोड़वा दिया क्योंकि उनको पता अगर ये नहीं टूटेगा तो हमला कर देंगे और हम मरेंगे सब ठीक है अब क्या हुआ दो दिन लग गए उस ब्रिज को रास्ता ढूंढने में उन लोगों को तब तक यहाँ प्रोसीजर चल रहा था इंडिया में मर्ज होने का।, का इन्होंने कसम खा ली थी कि भाई इंडिया की आर्मी हम तभी देंगे जब हम इंडिया में होंगे इनके लॉज ऐसे ही कहते थे कि हम तभी मदद कर पाएंगे जब वो पार्ट इंडिया का पार्ट होगा तो अब 25 अक्टूबर की बात है 25 अक्टूबर 1947 की बात है अब उन लोगों ने रास्ता ढूंढा और वो लोग आगे बढ़े उरी से वो गए बारामूला करके जगह बारा उरी से और वो लोग इतने वायलेंट हो चुके थे अब उनको जुनून जितना सवार था बारामूल्ला में हजारों लोगों को मारा उन लोगों ने रेप किए सब हॉस्पिटल्स में स्कूल्स के अंदर जा जाके रेप किए उन्होंने ठीक है नेक्स्ट लेवल पागल हो चुके थे अब ठीक है अगर आप डालोगे ना सर्च करके तो आपको दिखेगा वो चीज फिर फाइनली जाके 26 अक्टूबर को राजा ने साइन करे कि हाँ मैं इंडिया में मर्द होना चाहता हूँ और 27 को सुबह सुबह पाकिस्तानियों ने पूरा श्रीनगर घेर लिया था 27 को सुबह सुबह इंडियन फाइटर प्लेन पहुंचे हैं वहाँ पे और फिर जाके लड़ाई हुई और इस कारण से बच पाए ठीक है अब मैं तो मानता हूं कि अगर वो पुल नहीं गिराता राजेंद्र सिंह क्योंकि अगर हिस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है तो अगर नहीं गिराते तो आज पूरा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का होता उन्होंने गिराया लड़ाई करी उस पर पूरा इंडेप पानी है मतलब मैं आपको डेढ़ दो घंटे का रिसर्च करके लेक्चर दे सकता हूँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरे को लगता है कि हम को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए अब इस तरीके से उन्होंने क्या किया जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज किया लेकिन अब राजा हरि सिंह ने क्या बोला कि देखो मैं आपके साथ मजबूरी में मर्ज हो रहा हूँ मजबूरी में मतलब कि सिचुएशन ही ऐसी ही क्या करें तो उन्होंने कुछ राइट मांगे उन्होंने बोला कि देखो आर्टिकल थ्री सेवनटी तब आया उन्होंने बोला कि हम है ना हैं तो इंडिया के अंदर ही हैं तो इंडिया के अंदर ही लेकिन जितने भी लॉज पास होंगे ना इंडिया के अंदर वो हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम उनको लगाएं कि नहीं लगाएं अगर हमको सही लगेगा तो हम लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे और ये लोग एग्री कर गए उस टाइम पे नहीं करते ना तो भी मेरे ख्याल से उनकी मजबूरी इतनी थी कि वो मान ही जाते पर इनके अंदर थोड़ी इंसानियत दिखाई इन्होंने इन्होंने लगा कि ठीक है अब अब उस टाइम फिर क्या हुआ एक गलती नेहरू जी से ये हो गई अब गलती थी पता नहीं क्या था जिनके लिए लोग आज भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सब होने के बाद उन्होंने एक भाषण के अंदर ऐसे बोल दिया था कि हम जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग करवाएंगे जैसे जूनागढ़ में हुई थी ना कि कितने लोग मर्द होना चाहते हैं कितने नहीं जब उन्होंने साइन ही कर दिए कि हम इंडिया में आ गए तो काई को वोटिंग करवानी अब ये मैटर बहुत उछल गया कि वोटिंग कराओ और वोटिंग करवाते ना तो शायद क्या पता वहां के लोग यही चाहते थे कि पाकिस्तान में मर्ज हो जाए ठीक है थीके? क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी ये चीज बोलनी नहीं चाहिए थी क्यों बोलनी अब या तो उन्होंने भाई एज एजन बोल दी कि चलो लोग जो चाहते हैं वही हो या पता नहीं क्या था अब इस पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है वो अपन को उस पर नहीं जाना अपन को ठीक है बट हेमन ना बट पॉइंट क्या है कि वो आर्टिकल 370 सेवेंटी वहां से ओरिजिन हुआ अब वहां के लॉ पता है कैसे थे जम्मू एंड कश्मीर का अलग ही चलता था जम्मू एंड कश्मीर का झंडा अलग इंडिया का झंडा अलग बाकी अब सारे स्टेट्स के अंदर देखोगे तो अपने कोई स्टेट्स के झंडे थोड़ी हैं अपने इंडिया का झंडा चलता है एक उनके सब अलग थे उनके उनके क्रिमिनल लॉ भी अलग थे उनके खुद के लॉज अलग थे सब इंडिया से वो मैच ही नहीं करते थे उनके लॉ ऐसे बने हुए थे कि अगर कोई मुस्लिम फीमेल है वो अगर किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी सिटीजनशिप इंडिया की भी रहेगी एंड जम्मू एंड कश्मीर की भी रहेगी लेकिन अगर वो किसी हिंदू से शादी कर लेती है नॉन पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो उसके बाद स्ट्रिक लॉ थे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी तो इनडायरेक्टली वो कहते ना कि भाई वाइफ हमारी थी लेकिन अटैचमेंट बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा था तो बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान था उसका और कहने के लिए रिलेशन हमारे साथ थे जम्मू एंड कश्मीर के अब उनके लॉ उन्होंने इस तरीके से बना रखे थे कि भाई पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव था उनका हमेशा से और बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल थ्री क्योंकि इंडिया में कंप्लीटली था ही नहीं वो था वो इंडिया का लेकिन उनके खुद के भी अपने लॉ चलते थे तो ये आर्टिकल 370 हटाना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि भाई इसको हटा दिया आप कंप्लीटली इंडिया का ही हो गया उनके ऐसे थे कि आप नॉन जम्मू एंड कश्मीर का बंदा है ना प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता वहां पे हम लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे अब हमारी जोधपुर मिष्टान मंडाल खुल रही है वहां पे अग्रवाल स्वीट कैटर्स खुला हुआ है अब वहां पे तो बड़ी प्रॉब्लम थी पहले तो इसी कारण से जितने भी लॉ आते थे ना जम्मू एंड कश्मीर सोचता था कि अभी हमारे फायदे में होगा तो हम लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर को कन्विंस करना और उनको मनाना वो अपने आप में बड़ा हेटे काम था तो जम्मू एंड कश्मीर की ये हिस्ट्री थी ये आर्टिकल थ्री की हिस्ट्री थी और इसलिए हटाया गया इसको अभी समझना है आपको ठीक है समझ में आया आपको शायद मेरे ख्याल से आज से पहले इतना डिटेल में नहीं पता होगा आपको कि जम्मू एंड कश्मीर हर बार कीड़े क्यों करता है ठीक है अब फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को कभी कीड़े नहीं करेगा फ्यूचर में जितने लॉ पास होंगे उसमें नहीं करेगा क्योंकि अब तो आर्टिकल हट गया बट मेरे ख्याल से लगा कि हाँ दस मिनट जाएंगे लेकिन आपको बेसिक चीजें बतानी चाहिए ठीक है समझ में आया चलो वापस से जीएसटी पे आ जाते हैं वो पता तो होना चाहिए ना कई लोग पूछ रहे हैं सर ये जो पहले दो लेक्चर ही यूट्यूब पे रहेंगे बाकी आप डब्ल्यू 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 डॉट प्रत्येक जगती डॉट कॉम पे जाएंगे ना डब्ल्यू 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 डॉट प्रतीक जगाती डॉट कॉम तो वहाँ पे जाके आप लेक्चर ले सकते हैं प्रत्येक जगाती डॉट कॉम तो वहाँ पे आपको आई डी टीका मिल जाएगा मई ट्वेंटी फोर और नवंबर ट्वेंटी फोर वाला बैच वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं ये मेरी गारंटी है कि आपके सेवेंटी फाइव एटी नंबर कैसे दिलाएंगे आपको घर पर भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं मैं ही क्लास में चार बार रिवाइज कराऊंगा मैं ही सब कुछ करवाऊंगा ये मेरी रिस्पॉसिबिलिटी है

बाकी पूरे इंडिया में फर्स्ट जुलाई मोदी जी ने क्या किया था के दिन सीए इंस्टीट्यूट में जाके जीएसटी लॉन्च किया था ठीक है सीए इंस्टीट्यूट के जाके के जाके जीएसटी लॉन्च किया था ठीक है चलिए जी अब जीएसटी आ गया एक जुलाई को अब जीएसटी के उस पर आते हैं ये पूरा मैं बैकग्राउंड जनरेट कर रहा हूं आपका ठीक है अब देखो जीएसटी के अंदर भी ऐसा नहीं कि भारत एक इकलौता देश था जिसने जीएसटी लगाया बहुत सारे कंट्रीज में जीएसटी लगा हुआ था अब बहुत सारे कंट्रीज में क्या इसी मॉडल पे जीएसटी लगा हुआ है जैसे इंडिया में अब देखना कई कंट्रीज में कैसा है देखो जीएसटी तीन तरीके थे जीएसटी के भी जीएसटी के भी तीन तरीके थे अब इंडिया के पास सामने ऑप्शन था कि भाई कौन सा ऑप्शन चूज करे पहला है सिंगल जीएसटी सिंगल जीएसटी का मतलब है कि एक जो बिल बिल आएगा ना बिल बिल पे सिर्फ जीएसटी लिखा होगा अभी तो आप देखते होंगे जीएसटी ऐसे करके कुछ लिखा रहता है सिंगल जीएसटी मतलब बस एक सरकार को टैक्स मिल गया जीएसटी नाम के सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास टैक्स रख लेगी पर बात यह क्या इंडिया में सिंगल जीएसटी लगाना पॉसिबल है क्या कि भाई भारत सरकार अपने पास पैसा रख ले सिंगल जीएसटी ठीक है स्टेट्स को बांट दे बाद में फिर या कुछ भी कर ले तो इंडिया क्या है एक फेडरल नेशन है इंडिया एक फेडरल स्टेट है फेडरल स्टेट का मतलब यह है कि कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं फेडरल नेशन का मतलब यह है कि चाहे भारत सरकार हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो गुजरात गवर्नमेंट हो दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सब बराबर है अब आप सोचोगे तो कि सर आज तक तो हम यही समझते आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ी और स्टेट गवर्नमेंट छोटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इस तरीके से है और ये बात सच भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है दो तरह की बातें करता है एक तो बात यह फेडरल स्टेट है कि सबके पास बराबर पावर है और इनडायरेक्टली बनाया इस तरीके से है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सुप्रीम है, ठीक है? है ना कि जैसे मान के चलो कि कहने के लिए सब बराबर है पर एक्चुअल में नहीं कहने के लिए वो सिर्फ दोस्त है लेकिन हम उसके साथ चार चार बजे तक चैटिंग हो रही है मूवी देखने जा रहे हैं चार चार दिन के ट्रिप प्लान हो रहे हैं तीन दिन के है ना है वो फ्रेंड ही पर हो रही है ट्रिप प्लान अब कहने के लिए आप हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो लेकिन वो कुछ और ही है तो कहने के लिए लग रहा है कि भाई सब बराबर है समझ रहे हो बट एक्चुअल में पोजिशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ज्यादा पावर पर इंडिया एक फेडरल स्टेट है ठीक है फेडरल मतलब सब बराबर है फेडरल नेशन इंडिया अब सिंगल जीएसटी मॉडल इंडिया में सुटेबल नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है जितनी ही बराबर की अब आप देखना इंडिया एक फेडरल नेशन है तभी तो 50 परसेंट सीजीएसटी और 50 परसेंट एस जीएसटी लगता है तो पचास परसेंट सीजीएसटी और नाइन परसेंट सीजीएसटी जी एस टी क्यों लगता है बराबर बराबर ही क्यों मिलता है क्योंकि भाई साहब एक फेडरल नेशन में रहते हैं हम जहां पर सेंटर के पास भी उतनी पावर है जितनी स्टेट के पास दोनों बराबर है कोई छोटा बड़ा नहीं अगर ये टेन, ए, टेन और एट कर देते अठारह परसेंट को तो वाए, वाए टेन टू सेंट्रल गवर्नमेंट बराबरी क्यों नहीं इंडिया कौन है फेडरल नेशन तो सिंगल जीएसटी मॉडल इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था चलो तो दूसरा मॉडल क्या था दूसरा मॉडल क्या था ड्युएल जीएसटी मतलब सेंटर को भी टैक्स मिलेगा और स्टेट को भी ड्यूएल जीएसटी विद सिंगल कंट्रोल सिंगल कंट्रोल का मतलब क्या है कि कलेक्ट एक जना कर लेगा फिर आपस में बांट लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तुम क्यों कलेक्ट करोगे तुमको राजा हो गए हो क्या एस पर कॉन्स्टिट्यूशन बराबर है ना तो तुम क्यों कलेक्ट करोगे चलो हम कलेक्ट करके तुमको दे देंगे फिर फिर तो ड्यूएल जीएसटी विद सिंगल कंट्रोल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि भाई है ही बराबरी का काम एकदम बराबर है अपन तो तो ये भी गड़बड़ हो गया ठीक है फिर आया डुएल जीएसटी विद डुएल कंट्रोल ठीक है ड्युएल जीएसटी विद ड्यूएल कंट्रोल ये सही है सबको मिलेगा सबका कंट्रोल होगा ठीक है अभी जो जीएसटी काउंसिल करके एक बॉडी है ठीक है जो पुरानी स्कीम थी ना आपके नवंबर तेईस तक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब आर्टिकल दे रखे थे तीन टू ए जो जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता था पूरा समझाता था, था कि जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन लोग हैं कैसे आए वो सब वो अभी नई स्कीम में हटा दिया पता नहीं क्यों हटाया मैं आपको बताता हूँ जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है जो जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेती है जैसे कि किस प्रोडक्ट पे क्या टैक्स रेट रखें कौन से प्रोडक्ट पे एग्जामेशन दें कि नहीं दें ठीक है किस स्टेट का कितना रजिस्ट्रेशन का थ्रेश लिमिट रखें सब कुछ डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है जीएसटी काउंसिल जो बॉडी है उसमें सेंटर के लोग भी बैठते हैं और स्टेट के लोग भी बैठते हैं हर स्टेट के लोग बैठे हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर क्योंकि जीएसटी बना ही इस परपज पे ड्यूल कंट्रोल है दोनों का सेंटर का भी कंट्रोल है स्टेट का भी कंट्रोल है जीएसटी पे थीम ही वही है हमारे जीएसटी की क्योंकि इंडिया एक फेडरल नेशन है हर चीज लिंक है भाई साहब क्योंकि इंडिया एक क्या है फेडरल नेशन है समझ में आ रहा है आपको हर हर स्टेट का बंदा बैठता है जीएसटी काउंसिल के अंदर तब जाके डिसीजन लिया जाता है वरना सपोज करो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले तो वो तो अपने बारे में सोचेगी स्टेट के बारे में सोचेगी नहीं स्टेट को भरोसा ही नहीं है उनपे ठीक है चलिए जी तो इंडिया के अंदर क्या है डुअल जीएसटी लगाया विथ ड्यूल कंट्रोल तो अब आप सुनना मेरी बात अब जीएसटी क्या है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब समझना देखो वैट क्या था वैट के अंदर ऐसा था कि जो सेलिंग स्टेट है सेलिंग स्टेट है उसको पैसा मिलता था वैट के अंदर जो सेल करता था ना वैट या उससे पुराने जितने भी लॉ थे वहां पे सेल करने जो सेल करता था ना जो सेलिंग स्टेट है उसको पैसा मिलता था लेकिन जीएसटी क्या है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चलो मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं आप खुद ही मुझे बता देना जैसे मान के चलो कि मयंक है मयंक रहता है जयपुर के अंदर और एक मोनिका करके है कोई पर्सन जो रहती है दिल्ली में अब मयंक ने मोनिका को एक गिफ्ट करना है भाई साहब है ना गिफ्ट करना है मेरी बात

और ए रहता है मान के चलो अहमदाबाद के अंदर ठीक है ए अहमदाबाद में रहता है ए सेलर है और बी बायर है ए सेलर है बी कौन है बायर है ठीक है सेलर ने सामान बेचा बायर को अहमदाबाद वाले पर्सन ने सामान बेचा मुंबई में सवाल ये आता है कि टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए अहमदाबाद मतलब गुजरात गवर्नमेंट को या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कह रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो यार बी हमारे यहाँ रहता है मुंबई में रहता है बी छोटा सा था छोटा सा तब ये मुंबई में आया फिर उसको खिला पिला के बड़ा किया खर्चा किया इसकी पढ़ाई कराई जब ये इतना बड़ा हो गया पैसे कमाने लगा और अब ये इतना बड़ा हो गया कि सामान खरीद रहा है ठीक है खर्चा कर रहा है जब हमारा बंदा है हमारे यहीं कमा रहा है खर्चा कर रहा है तो टैक्स भी तो हमको ही मिलना चाहिए ना

अब आपने यूएस से सामान इंडिया में इंपोर्ट करा तो डेस्टिनेशन कहा हुआ इंडिया हुआ ना तो जीएसटी इंडिया में लगेगा अगर आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से कोई सामान लंदन गया तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब लंदन में टैक्स लगाओ मतलब जीएसटी नहीं लगेगा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर कभी भी टैक्स नहीं लगाती क्योंकि एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे कभी भी टैक्स नहीं लगाती था गौर्में था गौर्में था क्यों नहीं लगाती वो आपको बाद में समझ में आएगा धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कुल मिला के सर आप बोलोगे कि सर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे तो कस्टम लगता है जीएसटी क्यों लगा रहे हो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो कस्टम लगता है जीएसटी क्यों लगा रहे हो जीएसटी भी लगता है कस्टम भी लगता है और तो जीएसटी भी लगता है दोनों लगते हैं ठीक है तो जीएसटी क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि भाई जहां डेस्टिनेशन है भाई सिंपल सी बात है जिस बंदे ने खर्चा किया जिस जहां का बंदा है जिस स्टेट में रहता है जिसने खर्चा किया वहां की गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए क्योंकि भाई सारा खर्च भाई उसी वहां वही रहा है वो वही पला बड़ा है वही खाया पिया है तो वहीं से खर्चा कर रहा है तो भाई हक भी तो उसी सरकार का बनता है ना अब आप हो आप बचपन से अपने घर में रहे हो अब आप फ्यूचर में बड़े हो कमाने लग जाओगे तो आपके पेरेंट्स का ही तो हक बनेगा ना आपकी कमाई पे बनता है कि नहीं बनता इसी तरीके से गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि भाई आप खर्चा कर रहे हो तो कमाई पे आपकी कमाई पे हक भी तो हमारा ही बनता है ना बात तो सही है तो जीएसटी क्या है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ठीक है रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट दी है आपको तो हक भी उसी का बनता है ना तो जीएसटी क्या डेस्टिनेशन है चलिए जी इतनी बात आपको समझ में आई अब जीएसटी के अंदर भी क्या है जी समझना मेरी बात है अब आप तीन चार टर्म्स आपने देखी होंगी सीजीएसटी देखा होगा एसजीएसटी देखा होगा आईजीएसटी देखा होगा अब ये क्यों पैदा हो गए भाई साहब इनकी क्या जरूरत थी चलो जी वो समझाते हैं अच्छा आप अभी तक मैं जितना पढ़ाया आप लोग के दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा आज तक पता तो था हो रहा था देख रहा था क्यों हो रहा है वो नहीं पता था ना ट्रस्ट में वन ट्वेंटी आर्ट का ही रहेगा इसमें सारे क्वेश्चन करा दूंगा सब करा दूंगा ऐसे नहीं लगे आपको ऐसे लगेगा पहला लेक्चर इसलिए लग रहा होगा थोड़ा सा आप खेच रहे हैं खेच नहीं रहे यार बेसिक्स पता होने चाहिए जो खुली आंखों से देखा होगा ना नींदों में बिना उठे उसको दो घंटे कब होगा पता भी नहीं चला होगा देवेश शर्मा सब समझ में आएगा अभी प्लेस ऑफ सप्लाई तक आ जाएंगे ना आपको तो पूरा और समझ में आ जाएगा कि एक्सपोर्ट की कहानी क्या है क्या नहीं थोड़ा पेशेंस मन तो करता है आज ही सब जान लू पर एक दिन में कैसे जानोगे सब आपको किसी इंसान को जानने में भी पांच छह महीने लग जाते हैं तो ये तो पूरा समंदर जितना लॉ है पांच सात दिन तो दो कम से कम मेरे को है आ जाओ रिकॉर्डेड में बैठा नहीं जाएगा आपसे मतलब अब जिनकी मजबूरी है वो बात अलग है लेकिन कोशिश करो लाइव ही देखें आगे बढ़ते हैं अभी सीजीएसटी आईजीएसटी और आईजीएसटी का, का सपोज करो सेम स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं अब, सेम जैसे मतलब मान के चलो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र पुणे टू मुंबई कोई सामान सेल कर रहे हैं ठीक है पुणे का कोई पर्सन था पुणे में कौन रहता था पुणे में जैसे मान के चलो राखी रहती थी राखी है ना और उसने गुड्स किसको बेचे राखी ने गुड्स बेचे देवेश को ठीक है देवेश कहाँ रहता है मुंबई में राखी रहती है पुणे में ठीक है तो क्या लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या इंट्रास्टेट सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई सेम स्टेट क्या डिसाइड हुआ था जब जीएसटी में आए थे ना तो ये डिसाइड हुआ था कि आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी आधा स्टेट गवर्नमेंट रखेगी ठीक है ये डिसाइड हुआ था तो पुणे से सामान मुंबई में जा रहा है तो जीएसटी क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो डेस्टिनेशन भी महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है डेस्टिनेशन भी कौन है महाराष्ट्र है है ठीक डेस्टिनेशन भी कौन है महाराष्ट्र है है ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हुआ आधा सीजीएसटी लगा दिया आधा एस मतलब आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रख दिया आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने रख दिया कोई दिक्कत नहीं अब दिक्कत क्या आ रही थी सपोज करो पुणे से सामान जयपुर बिक रहा है ठीक है कौन है राखी पुणे में रहती है और जयपुर में मान के चलो कौन रहता है अमित रहता है अपना जयपुर में कौन रहता है अमित जी रहते हैं ये सब आप ही लोगों के नाम ले रहा हूं चैट बॉक्स में दिख रहे है अब सुनना मेरी बात कोई सामान बेचा लेस सपोज हजार रुपए का सामान था और जीएसटी की रेट थी एटीन परसेंट अब इस केस में टैक्स किसको मिलना चाहिए तो एज पर डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट टैक्स मिलना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट को क्योंकि भाई अमित ने खर्चा किया है अमित जयपुर में रहता है तो राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए अब अमित क्या करेगा वन थाउजेंड रुपीज का सामान था और उसमें वन एटी रुपीज का टैक्स देगा तो राखी को कितने पैसे मिलेंगे वन वन एट जीरो रुपीस मिलेंगे राखी को जिसमें से राखी और नाइनटी रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को देने राखी को केस समझ में आ रहा है आपको राखी कौन है बिजनेसमैन है बिजनेस वोमैन है राखी मैन नहीं पुणे में रहती है राखी जयपुर में अमित को सामान बेचा आप लोग हाँ तो ना कुछ तो बोलो ऐसे मत बैठा करो पहले हमारे कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है मैं इस बैच में यह भी कोशिश करता हूँ जूम वगैरह लेता रहता हूँ बहुत तुम लोगों के थोड़ी बोलने का फियर खोलें कम्युनिकेशन खोलें हम जो 10-12 लाख का पैकेट मिलता है ना मैं वो डिजर्व नहीं करते हम बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं एम बी लूट ले जाते हैं लेकिन हमसे क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन खराब है बस ठीक है जी अमित बोल रहे हैं सर जी मैं तो जयपुर से ही हूँ क्या बात चलिए अब हुआ क्या पुणे से सामान अमित जी को जयपुर में भेजा तो भाई अमित राजस्थान गवर्नमेंट ने अमित जी को पला बढ़ा के बढ़ा किया है ना तो राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए डेस्टिनेशन बेस कॉन्सेप्ट हो गया तो अमित जी ने राखी को कितने रुपए दिए वन थाउजेंड तो ओरिजिनल सामान क्या वन एटी रुपीज टैक्स के नाम पे दिए वन वन एट जीरो रुपए दे दिए अमित ने राखी को अब राखी के सामने चैलेंज क्या है कि वन एटी रुपीज ये जो मिला है को जमा कराना है जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट को को 90 90 करवाना है स्टेट अब राखी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो दे, दे देगी पैसा लेकिन राखी कौन से स्टेट गवर्नमेंट को देगी ये पैसा राजस्थान गवर्नमेंट को देगी राखी क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का तो हक बनता है नब्बे रुपए पे पर राखी तो पुणे में रहती है महाराष्ट्र में तो राखी पुणे में है महाराष्ट्र में है तो वो राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देगी क्योंकि जीएसटी में क्या होता है आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आपके पास इन का नंबर आता है तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो आप जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हो ना हर स्टेट का अपना अपना एक आपको नंबर मिल जाता है ठीक है आप जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं तो मैं राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लूंगा आप गुजरात में रहते हो आप गुजरात का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लोगे हर स्टेट का अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है अब जिस स्टेट का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना उस स्टेट में आप पैसा जमा करा सकते हो जैसे कोई बंदा राजस्थान में रहता है तो राजस्थान की सरकार को पैसा जमा करा सकता है कोई महाराष्ट्र में रहता है तो महाराष्ट्र की सरकार को पैसा जमा करा सकता है सवाल यह कि राखी रहती है महाराष्ट्र में पर पैसा देना है राजस्थान वाली गवर्नमेंट को अब कैसे जमा कराए सेम स्टेट में होता तो करा देती तो अब मोदी जी क्या बोले इसको कि राखी तुम एक काम करो है ना महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन ले लो तो राखी कह रही है मैं खुद के स्टेट में तो ले ही रखी हूं महाराष्ट्र में भी ले लू कल को कोई कस्टमर वेस्ट बंगाल का आएगा तो वहां पे भी ले लू तो काम करती हूँ रजिस्ट्रेशन ही रजिस्ट्रेशन ले लेती हूँ रिटर्न भरती हूँ बिजनेस बंद कर देती हूँ आप भी कर लो बिजनेस मैं नौकरी कर लूंगी राखी परेशान हो गई इरिटेट हो गई राखी मोदी जी बोले अरे राखी जी अरे अरे राखी जी आप ऐसे कैसे हो सकते हो आप सुनो तो सही हम करते हैं कोई समस्या का प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालते हैं तो चिड़ने वाली बात नहीं है कि बिजनेस समझायाल बातें कर रहे हो ना मोदी जी ने कहा काम करो आप ये सारा का सारा पैसा मेरे को दे गवर्नमेंट आईजीएसटी क्यों आया इसलिए आईजीएसटी आया क्या हुआ मोदी जी ने सारा का सारा पैसा वन एटी खुद ले लिया राखी से और नाइन्टी रुपीज अपने पास रख लिया उसमें से और 90 रुपीस जाके राजस्थान गवर्नमेंट को जमा करा दिया मोदी जी ने क्या हुआ आईजीएसटी लाने से फायदा क्या हुआ कि भाई ये जो दिक्कतें आ रही थी ना दूसरे स्टेट वाली वो खत्म हो गई ठीक है वो दिक्कतें खत्म हो गई मोदी जी बोले आईजीएसटी पूरा पैसा मेरे को दो अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है सेम स्टेट में है तब तो डायरेक्टली आधा अपने स्टेट को दे दो आधा हमें दे दो तभी आपने बिल में भी देखा होगा सीजीएसटी एडजस्ट लगता है कई जगह एडजस्ट लगता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट का मैटर आता है तब दूसरे स्टेट को पैसा कैसे दे तो मोदी जी बोले आप पहले मेरे को दे दो सारा पैसा मैं आधा अपने पास रखूंगा क्योंकि आधा तो मैं हमेशा लेता ही हूँ ना फिफ्टी तो मेरा ही है फिफ्टी परसेंट उस रेस्पेक्टिव स्टेट को जाके दियाऊंगा तो मोदी जी क्या करेंगे फिफ्टी परसेंट राज, राजस्थान गवर्नमेंट को जाके दिया आपको समझ में आया आईजीएसटी क्यों आया आज तक हम पढ़ तो रहे सीजीएसटी होता है आई होता है आईजीएसटी होता है वो आईजीएसटी होता तो है पर पैसा आधा अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है आईजीएसटी का मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो तो बोलती है हमारा 50 फिक्स है 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 हमारा फिक्स अब 50 किस स्टेट को मिलेगा वो देखने वाली बात है। है ना? वो देखने देखने वाली वाली बात बात तो ना उसके लिए एक चैप्टर बना रखा है अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई करके कि भाई कौन से स्टेट को टैक्स मिलेगा वैसे तो मैंने आपको मोटे मोटे रूप से बताया कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसमें अंदर और डिटेल में बात हुई है फिर समझ में आया कि नहीं आया यहां तक क्लियर है किसी को क्लियर है कि नहीं है यहां तक क्लियर है जी यहां तक तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि इंडिया में ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट चलता है सी, सेंटर और स्टेट विद ड्यूअल कंट्रोल दोनों का कंट्रोल है अपने आप में ठीक है जी इतनी बात क्लियर हो गई आईजीएसटी क्यों आया वो भी आपको समझ में आया चलो जी बहुत बढ़िया हो गया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब इंडिया में क्या सीन है जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा टोटल 28 स्टेट है ना और आठ यूनियन टेरिटरीज हैं अब इन आठ में से तीन दिल्ली पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर इन तीन यूनियन टेरिटरीज को गवर्नमेंट ने बोला है हम आपको जीएसटी के लिए स्टेट ही समझेंगे कहने के लिए आप यूनियन टेरिटरी हो लेकिन हम आपको स्टेट ही समझेंगे ठीक है जैसे होता है ना आपके ग्रुप में चार लड़कों का ग्रुप है उसमें एक लड़की, अब कहने के लिए वो लड़की है लेकिन अब वो लड़का ही बन चुकी है वो वैसी हरकतें हो गई हैं ठीक है चलते फिरते किसी पे भी टपली बजा देना चलते फिरते दो चार मधुर शब्दों में कुछ कह देना है

समझना मेरी बात समझ रहे हो सपोज करो एक लद्दाख है जैसे लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है तो लद्दाख की लद्दाख में अगर सेल होती है तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है एसजीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो स्टेट नहीं है आगे समझ में आएंगे तो बेसिक है ठीक है तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है लेकिन दिल्ली की दिल्ली में सीजीएसटी और एसजीएसटी जम्मू एंड जम्मू कश्मीर में सीजीएसटी जी एस का पांडीचेरी में सीजीएसटी जी एस टी एस लगेगा यूटीजीएसटी नहीं लगता वहां पर ठीक है अब आप बोलोगे कि, कि यूटी जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों आप लोग पढ़ते तो आ रहे हो कि यूनियन टेरिटरी है यूनियन टेरिटरीज होती हैं, बचपन से पढ़ा होगा पर कभी किसी ने सोचा कि यूनियन टेरिटरी जैसा कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों पता है कि किसी को यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्यों आया सुनते तो हम बहुत कुछ लेकिन लॉजिक नहीं पता है इसका यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पता है किसी को बताओ देखो जी ऐसा है यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पे जैसे हर स्टेट में अपनी अपनी सरकार चलती है हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार चल रही है है ना मुंबई में अलग सरकार चल रही है एमपी में अलग सरकार चल रही है ठीक है राजस्थान में गहलोत जी की सरकार चल रही है दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार चल रही है यूनियन टेरिटरी में कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है पर दिल्ली में तो सरकार है ना अलग से जम्मू एंड कश्मीर में तो है ना अलग से तो देखो इसलिए तो वहां पे, तो पे अलग से कोई सरकार नहीं चल रही है ठीक है इन पे डायरेक्टली रूल होता है डायरेक्टली रूल होता है इन पे। समझ रहे मेरी बात तो कुल मिला के बात क्या है बात यह है कि इनको हमने दिल्ली को स्टेट की क्यों कंसिडर करा क्योंकि वहां पे अलग से गवर्नमेंट चल रही है तो वो मैनेज कर लेगी ना यू टी जी ठीक है अच्छा अब आप सोचोगे अगला सवाल आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आप कह रहे हो कि जो दिल्ली पांडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दो बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं भाई बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं तो आप ये कह रहे हो कि उन उन यूनियन टेरिटरीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रही है उन बाकी की यूनियन टेरिटरीज पे आप ऐसा कह रहे हो मैंने कहा जी जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप लद्दाख दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ तो आप ये कह रहे हो कि ये जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है इनको तो फिर ऐसा क्यों किया कि सीजीएसटी और यू टी लिखा देखो नॉर्मली तो क्या होता है अपन सीजीएसटी और एजीएसटी लिखते हैं क्यों लिखते हैं सीजीएसटी और रेजीएसटी तो भाई आधा पैसा सेंटर को आधा पैसा स्टेट को जैसे ट्रांजेक्शन हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ तो आधा पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चला गया आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया तो यहां तो सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो गई और यूटी जी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो हो गई भाई स्टेट थोड़ी हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो रन कर रही है तो एक साथ ही पैसा ले ले सीजीएसटी के नाम पे 18 परसेंट क्यों आधा आधा बांटना क्यों आधा आधा बांटना बताओ भाई ये तो अपन को समझ में आया सीजीएसटी और एस अपन इसलिए करते हैं क्योंकि भाई वहां पर अलग ही सरकार चल रही है तो वो सरकार अपने पास रखती है आधा पैसा ये तो पूरा ही सेंटर का हो गया सीजीएसटी भी और यूटी जी भी तो आ जाता क्यों बांटना गवर्नमेंट ने कहा देखो जी बात ऐसी है है तो हमारा ही अपना ही बच्चा है वो नहीं है दिक्कत भाई हमने क्या करा इसके नाम पे एक अलग से गुल्लक बना दी पिगी बैंक बना दिया भाई जो पैसा यूटी जीएसटी में आया ना है तो पैसा हमारे पास ही आ रहा है सेंटर के पास लेकिन हमने बता दिया कि भाई तुम्हारे पास यूटी जीएसटी का इतना पैसा आया अब ये तुम्हारी पिगी बैंक है तुम्हारा तो अब जो तुम्हारे खर्चे होंगे ना वो हम इसी से कर देंगे फिर तुम्हारे तो अलग से फंड बना दिया दिखाने के लिए कि भाई अलग से फंड है तुम्हारा तो वो यूटी जीएसटी में पैसा आ रहा है उसी से खर्चे करेंगे फिर तुम्हारे ठीक है समझ लो मेरी बात तो स्पेशल उसी स्पेशल, स्पेशल यूनियन टेरिटरी काम में आएगा वो पैसा ऐसे नहीं कि भाई भारत सरकार का पैसा है तो कहीं पर भी काम आ जाएगा वो उसी के लिए काम में आएगा उसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए काम में आएगा ठीक है तो एक अलग से फंड बना दिया हमको ठीक है समझ में आया आपको गेटिंग इट तो जीएसटी के लिए टोटल ट्वेंटी एट स्टेट तो होते हैं तीन यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको भी हम स्टेट ही मानेंगे तो आप मान के, GST के 31 है। Getting it? चलो थर्टी वन स्टेट है गेटिंग इट चलो जी अब आपको ये भी समझ में में आ गया कि जीएसटी आया आया कैसे आया? वैट, से, वैट में क्या दिक्कत थी वैट से पहले क्या थी डबल टैक्सेशन लगता था टैक्स ऑन टैक्स वैट में भी कई जगह डबल टैक्सेशन हो रहा था इसलिए जीएसटी आया आई जी क्यों आया ये सारी चीजें आप समझ में आए जम्मू एंड कश्मीर का क्या नाटक था वो भी आपको समझ में आया है ना एफ डी खोल दी हाँ ऐसे समझ लो है ना ये समझ में आया आपको अब जब जीएसटी आ रहा था ना अब प्रैक्टिकली क्या दिक्कत थी देखना एक दिक्कत तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना टू थर्ड की मेजोरिटी चाहिए ये सब चाहिए इतना लफड़ा था दूसरी दिक्कत थी कि इतने सारे स्टेट जो थे ना वो रो रहे थे आपस में बोल रहे हैं कि अभी हमारा वैट चल रहा है तो हम तो खुश हैं हमारे वैट से हमको क्यों हमारा वैट हटाना है हम तो खुश हैं आप देखो कोई भी नया सिस्टम आता है ना कोई भी इंसान बड़ा हेजिटेट होता है यार भाई अभी इनका बढ़िया गुजारा चल रहा है सबका अपना अपने कमाई हो रही है सब खुश है अभी मोदी जी कह रहे हैं कि सब मिलकर अपन वन नेशन वन टैक्स कर लेते हैं तो कह रहे हैं हमको तो नहीं करना भाई हर स्टेट अपने अपने हिसाब से टैक्स रेट रख रह रखी थी हर स्टेट ने अपने कोई स्टेट अपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे किसी ने ट्वेल्वेंट रख रह रखी थी तो किसी ने एटीन रख रखी थी सबकी अपनी अपनी इच्छा है भाई साहब मेरा मन करेगा जो करूंगा मैं मैं किसी का कोई लायबल नहीं हूँ मेरा ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट्स की अपनी मनमर्जी चल रही थी सब खुश थे जीएसटी लाना क्यों चाहती थी गवर्नमेंट पता है एक तो क्रेडिट वाला सिस्टम तो आपको मैंने बताई दिया कि भाई कई जगह में भी डबल टैक्सेशन लग रहा था स्टेट्स आपस में कॉपरेट नहीं कर रहे थे दूसरी पता है क्या दिक्कत थी इंटरनेशनल लेवल पे भी दिक्कत थी इंटरनेशनल लेवल पे दिक्कत थी जैसे सपोज करो कोई पर्सन है अब वो इंडिया से सामान इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे इंडिया में कोई फैक्ट्री खोलना चाहे उस भाई को ये समझ नहीं आता था, था कि गुजरात में खोलू या राजस्थान में खोलू या महाराष्ट्र में हर स्टेट के अपने अपने टैक्स क्योंकि सारे जितने भी स्टेट है सबका टैक्स लॉ पे रिसर्च करे भाई वो की किसमें कितना प्रॉफिट होगा फिर वो किसी सीए से कंसल्टेंसी लो ये करो बोले समझ ही नहीं आ रहा कैसा देश है कोई सामान किसी जगह पे इतने का मिलता है किसी भी पे इतने का मिलता है ये कैसा गोला है 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 भैया ना उनको उनको समझ ही नहीं बैठ रहा करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहीं तो नुकसान हो रहा है और कहीं इसी इसी सेम में फायदा ही हो रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ठीक है तो तो गवर्नमेंट बोली भाई इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है इंडिया में समझ नहीं आ रहा वन नेशन वन टैक्स से कम से कम यूनिफॉर्मिटी तो है हमें पता ही नहीं है बोले अभी तो तो उन्होंने क्या किया ना जीएसटी लाने से इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत फायदा हुआ है अब गवर्नमेंट क्या गई अब इमेजिनरी सिचुएशन में चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको ठीक है इमेजनरी सिचुएशन में चलते हैं भाई मोदी जी कन्विंस करने गए स्टेट गवर्नमेंट को मोदी जी स्टेट्स को कन्विंस करने गए कि प्लीज जीएसटी में मर्ज हो जाओ अब मान के चलो मोदी जी पहुंच गए किसी भी स्टेट में बोले भाई साहब आप जीएसटी में प्लीज मर्ज हो जाइए सब साथ में मिलकर काम करते जैसे पहले पटेल जी के लिए चैलेंज था ना सारे सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एक साथ इंडिया में लाना वैसे ये भी अपने आप में ये अब इंडिया के अंदर जितने स्टेट थे उनको एक टैक्स रिफॉर्म में बांधना अपने आप में बड़ा टास्क था वो कहते हैं ना कि अगर लीडर स्ट्रांग होगा जैसे घर में दस भाई रहते हैं दस भाई आपस में लड़ेंगे पिटेंगे अगर उनका मेन जो है घर में फादर में दम है तो वो लड़ने नहीं देंगे लड़के दिखाओ एक लाठी देंगे है ना तो इन सबको आपस में एक परिवार की तरह बांध के चलना अकेला फूल अपने आप में इंडिपेंडेंट फ्री है पर एक माला में बिठा के एक सिमेट्री में लाना वो डिफिकल्ट काम था ठीक है वो डिफिकल्ट काम था एक माला में लेके आना तब तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचे कि भाई साहब जीएसटी में आओ वो कह रहे हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं वो तो क्या है बीजेपी की सरकार थी तो मान गए लेकिन अंदर से तो यही था कि यार नुकसान में भी जा सकते हैं ना पर जो नॉन बीजेपी वाले थे उनको तो बहुत ही तकलीफ हो रही थी अब उन्होंने बोला स्टेट के पास गए अब स्टेट क्या बोलती है देखो जी हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एल्कोहल से होता है ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टेट के पास जितना भी रेवेन्यू आता है ना स्टेट का जितना भी रेवेन्यू है उसमें से पच्चीस परसेंट रेवेन्यू हमारा एल्कोहल से आ रहा है मोदी जी ने बोले ओके okay, ओके okay. बोले पेट्रोल से आ रहा है हमारा 33% रेवेन्यू मतलब देखा जाए

बाकी एल्कोल और पेट्रोल को भूल जाओ एल्कोल और पेट्रोल को तो आप भूल जाओ भाई साहब मोदी जी ने कहा आप समझिए बात को समझिए देखिए हम आपके भले के लिए कह रहे हैं अपन एक परिवार है सब मिलजुल के रहेंगे सब कमाएंगे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए वो कह रहे हैं सर जी हमारा तो मन ही नहीं है हम कैसे इतना अच्छा अपना प्रोस्परस स्टेट है खूब पैसा है सब बढ़िया चल रहा है हमारी जनता खुश है क्या दिक्कत है आपको भाई कोई भी नया सिस्टम आता है तकलीफ होती है मोदी जी इंटरनेशनली देख रहे हैं कि भाई इंटरनेशनली इंडिया का फायदा हो तो मोदी जी ने कहा आप आइए तो सही स्टेट ने कहा कि बाटली अल्कोहल जो है ना वो बाटली वो तो आप भूल के भी मत सोचना दे देंगे बाटली से हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आपको पता है शराब के ठेके जब बढ़ते हैं तो जो कितने करोड़ों रुपए में बढ़ते हैं उनका लाइसेंस इतना अच्छा पैसा आता है शराब शराब की ठेकों से ऐसे थोड़ी शराब बंद हो रही बंद नहीं हो पा रही शराब से इतना पैसा आता है एल्कोलिक लेकर का लाइसेंस जब बिकता है ना खूब पैसा आता है उससे तो इन्होंने कहा बाटली पे नजर मत लगाना मोदी जी बोले बाटली में, में मेरा बाप गया गैराज गया ये स्टेट भी चला गया तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाटली नहीं देंगे से नो no, टू बाटली ऐसा स्टेट बोले मोदी जी को ठीक है बाटली नहीं <laughs> मोदी जी ने कहा समझिए बोले समझना समझना कुछ चाहिए नहीं मोदी जी कुछ नहीं समझना तो कुछ नहीं समझना मोदी जी अल्कोहल बिल्कुल जीएसटी से बाहर नजर भी मत डालो, दिल के बहुत करीब है मेरे मोदी जी ने कहा ठीक है दिल के बहुत करीब है कोई बात यहां पर बाटली नहीं रे बाबा दवा है दवा है ना तो दिल के बहुत करीब है मेरे तो आज की डेट में अल्कोहल जीएसटी से बिल्कुल बाहर है कभी फ्यूचर में भी जीएसटी में नहीं आ सकता अल्कोहल स्टेट्स के अपने ही राइट्स हैं अल्कोहल पे किसको बंद करना है किसको नहीं करना है किसको कितना टैक्स लगाना है के नहीं अपने ही राइट्स है और कितने फ्यूचर में भी कभी भी अल्कोहल जीएसटी में नहीं आएगा बाटली दिल के करीब है हर स्टेट के चीज ही ऐसे ठीक है ठीक है आगे बढ़ो पेट्रोल पे आते हैं। अब मोदी जी बोले चलो बांट ले नहीं पेट्रोल तो दे दो है ये तो दे दो स्टेट बोले नशा है ऐसे करो हाँ पेट्रोल का अलग ही मजा है मोदी जी बोले फालतू बात हो रही है बहुत ज्यादा वो अलग नशा है ये अलग नशा है स्टेट बोले कैसे ट्रस्ट कर ले आप कैसे इतना अच्छा रेवेन्यू आ रहा है पेट्रोल से वन थर्ड रेवेन्यू आ रहा है कैसे ट्रस्ट कर ले आप ये भी नहीं दे सकते काफी बैठ के चर्चा हुई डिस्कशन हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि एट प्रेजेंट करंट में तो पेट्रोल स्टेट के पास ही रहेगा बट फ्यूचर में अगर कभी स्टेट को लगा फ्यूचर में कभी स्टेट को लगा कि यार चलो पेट्रोल पे भी जीएसटी लाना चाहिए अगर सब स्टेट ने हाँ करी स्टेट का अगर लगा स्टेट को लगा तो फिर हम कभी फ्यूचर डेट से आ जाएंगे वो फ्यूचर आज तक तो आया नहीं

नेचुरल गैस ए टी एफ है ना एटीएफ को बताई दिया मोटर स्प्रेड डीजल ये सब पांच प्रोडक्ट ऐसे हैं जो क्या हो गया जीएसटी में फ्यूचर डेट में कभी आ सकते हैं एल्कोहल तो कभी नहीं आ सकता पर पेट्रोल में आ सकते हैं पर एट प्रेजेंट नहीं आते तो इसलिए अलग है अब बाकी बात रही दूसरे की ठीक है अब बाकी बात रही दूसरे की अब दूसरे में क्या हुआ अदर में अब स्टेट बोले कि मोदी जी हमको तो भरोसा इस पर भी नहीं है मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी है अगर आपको नुकसान हुआ अगर आपको नुकसान हुआ हमारी सरकार भरपाई करेगी आपकी तो मोदी जी क्या लाए जीएसटी कंपनसेशन सेस लाए जीएसटी कंपनसेशन सेस देखो किस जीएसटी कि, कि, में कितने एक्ट बने सीजीएसटी एक्ट बना एस जीएसटी एक्ट बना आईजीएसटी एक्ट बना यूटी जीएसटी एक्ट बना और एक एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट बना आप बोलोगे पांच एक्ट बने नहीं भाई साहब थर्टी फाइव एक्ट बने सर कैसे अरे थर्टी वन तो स्टेट है ना तो हर स्टेट का अपना जीएसटी और चार ही ऐसे पैंतीस एक्ट है थर्टी फाइव एक्ट है ऐसे जीएसटी के अंदर थर्टी फाइव ठीक है ठीक है एलकॉल पे जीएसटी फ्यूचर में भी नहीं लगेगा स्टेट अपने टैक्स लगाएंगे एलकॉल पे ठीक है थर्टी फाइव एक्ट हो गए तो जीएसटी कंपनसेशन सेस बनाया अब जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है मोदी जी ने बोला एक काम करते हैं जीएसटी कंपनसेशन साइस बनाते हैं जो महंगे महंगे प्रोडक्ट है ना जैसे लग्जरी कार्स हो गई महंगी महंगी चीजों पे जीएसटी कंपनसेशन साइस लगाएंगे जीएसटी के अलावा है जीएसटी कंपनसेशन साइस की भाई जो स्टेट लॉस में जा रहे होंगे ना जिनका पुराना रेवेन्यू अच्छा था और अभी जीएसटी कारण लॉस में आ रहे हैं तो हम उनको कम्पनसेट करेंगे तो ओरिजिनली तो जीएसटी कंपनसेशन के लिए लगाया लेकिन अब इसको बढ़ा दिया और अब ये अगले पांच साल और लगा दिया ठीक है अगले पांच साल तक के लिए और लगेगा 2026 तक लगेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी ठीक है? <स्याँगा> समझ में आया आपको कोई डाउट यहां तक कोई दिक्कत जीएसटी कंपनसेशन सेस आपने सुना होगा लेकिन क्यों आया आज समझ में आ गया, गया होगा आपको चलिए जी आपको आज समझ में आ गया होगा कि एल्कोल और पेट्रोल जीएसटी से क्यों बाहर है ठीक है जी चलिए इतनी इतनी चीजें क्लियर है अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं अब जैसे बात आती है तोबेको की ठीक है तोबेको की बात आती है तंबाकू तंबाकू जो है ना देखो तो जीएसटी के अंदर क्या हुआ बहुत सारे स्टेट के टैक्सेस अलग चलते थे पहले सेंटर के अलग चलते थे सब मर्ज हो गए जैसे सेंटर के पहले कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हो गए और स्टेट के कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए जहां से एमसीक्यू बन सकता है अब आप बोलोगे सर क्या पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी कि सेंटर के कौन से टैक्स मर्ज हुए स्टेट के कौन से टैक्स मर्ज हुए अरे नहीं नहीं पूरी लिस्ट जैसे सेंटर के कौन से एक्साइज ड्यूटी थी सर्विस टैक्स था है ना और एक्साइज ड्यूटी के अंदर ही बहुत सारी चीजें थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी है ना तो ये सब था सेंटर स्टेट में क्या क्या था स्टेट में बहुत सारे टैक्से था वैट था सेल्स टैक्स था लग्जरी टैक्स था एंटरटेनमेंट टैक्स था अब एग्जाम में क्या आ सकता है मैं आपको देखो साथ के साथ सारी चीजें बताते चलूंगा कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसको देख जाओ वो ही मिलेगा आपको एग्जाम में भी ठीक है अब एग्जाम में टिक लगा लेना जैसे अभी ये बुक हम आपके पास पहुंचवाएंगे नई वाली बुक ये तो पुराना एडिशन है जो मैं खोल के बैठा हूं नई वाली बुक हम आपको क्लास वालों को तो मैंने पीडीएफ दे दिया पुराने का ही दिया है अभी तो ठीक है नई वाली बुक हम डिस्पैच कर देंगे बिफोर टेंथ दिसंबर बिफोर टेंथ दिसंबर हम डिस्पैच कर देंगे आपको मिल जाएगी क्योंकि तो उसमें थर्टियत थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट इनकॉपरीट करने पड़ते हैं है ना थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट क्या करने पड़ते हैं डालने पड़ते हैं अभी क्या चल रहा है नवंबर चल रहा है आई ने कोई सप्लीमेंट्री दी नहीं है हमने जीएसटी के साइड से सारे सर्कुलर डाल दिए अपनी लैंग्वेज में बढ़िया मतलब अपनी लैंग्वेज मतलब शॉर्ट करके आप आप आईसीआई का सर्कुलर देखोगे ना उसमें भी ऐसी लैंग्वेज मिलेगी आपको क्योंकि तो मेरे को पता है अब आईसीआई क्या करता है तो लैंग्वेज वही रखेंगे आईसीआई वाले कोई चेंजेस नहीं है ठीक है तो बुक आपको मिल जाएगी क्योंकि इतना टाइम लगता है बुक बनाने में ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और क्लास किसी को परचेस करनी है तो क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में मिलेगा सेकंड 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 ना एक जस्ट अ तो क्लास किसी को कोचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बुक परचेस करनी है तो बुक का भी हमने गूगल फॉर्म दे रखा है अभी तो वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे गूगल फॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं ठीक है चलिए अब कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो पहले स्टेट में थे जीएसटी में मर्ज हो गए तो ये मार्क कर लीजिए एंट्री टैक्स है लग्जरी टैक्स है एक एंटरटेनमेंट टैक्स है ठीक है और टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट ये चार टैक्स ऐसे हैं जो पह, आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं लग्जरी टैक्स एंट्री टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स और टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट ये स्टेट में लगते थे सेंटर के टैक्स कौन से सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सीबीडी ये तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको स्टेट में कंफ्यूजन हो सकता है तो बस ये मान ये देखो टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट लग्जरी टैक्स एंट्री टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स ये स्टेट के टैक्सेस थे जो जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं ठीक है क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत अब तोबे को जो प्रोडक्ट था ना तोबे को तोबे को जो प्रोडक्ट था आपका उस उसपे तंबाकू जिसको बोलते हैं तो बेको पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है अब आप तो बोलोगे कि सर एक्साइज ड्यूटी तो जीएसटी में मर्ज हो गया फिर क्यों लगाया देखो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया वैसे तो बट अभी भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे लग रहा है गवर्नमेंट की मनमर्जी थी एक्साइज ड्यूटी वैसे खत्म हो गया अब मोदी जी क्या सोचे मोदी जी सोचे कि देखो मोदी जी की स्ट्रेटेजी क्लियर है आप देखो कितना टैक्स का पैसा इंडिया में अभी आ रहा है आजकल बहुत अच्छा सोर्स बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा है इंडिया का टैक्सेस से चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इंटरेक्ट टैक्स हो चाहे कॉपरेट टैक्स हो ठीक है अब मोदी जी ने क्या सोचा को पे आ जाते हैं तोबे को जो है अपना मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार जो है ना हमारी सरकार वो जनता का भला चाहती है और हम नहीं चाहते कि भारतवासी तोबेको का सेवन करें तंबाकू का सेवन करें अपने अंदर कैंसर प्रोड्यूस करें इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है आप लोगों के हित में तोबे को जीएसटी भी लगाया जाए और एक्साइज ड्यूटी भी लगाया जाए जनता ने ताली बजाई क्या बात है मोदी जी मोदी जी बैकहैंड में क्या प्लान था कि देखो जिनको तंबाकू खाना है तोबे को खाना है वो तो खाएंगे है ना तो पैसा का पैसा आया पब्लिसिटी की पब्लिसिटी हुई है ना दोनों काम हुआ पब्लिसिटी भी हो गई कि भाई हम प्रमोट नहीं कर रहे हम तो बिल्कुल ही एनकरेज नहीं कर रहे इसलिए हमने टैक्सेस बढ़ा दिए और पैसा का पैसा आ गया एक तीर से दो निशाने ठीक है तो तोबेको के केस में को हो गया या नार्कोटिक ड्रग्स हो गई इस तरह की जो नशीले पदार्थ है ना नशीली चीजें उन पे आज भी जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं देखो आपका क्वेश्चन बैंक में आपको आर्टिकल वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो आप काम के नहीं रहे जैसे क्वेश्चन क्या, क्या बोलता है आपको एक भी वेस्ट चीज नहीं मिलेगी आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का वो दे दूंगा क्लास वाले बच्चों को क्लास वाला जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा बाकी चैप्टर तो मैंने आपको दे ही दी ठीक है चलो एल्कलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन आपसे पूछा है कि जीएसटी की लेवेबिलिटी बताओ ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन है मैंने नहीं बनाया एक भी मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है सब आई क्वेश्चन है आरटीपी आर टीपीएमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हमने सोर्स भी लिख रखा है तो जिसके आगे सोर्स नहीं लिखा हुआ उसका मतलब है वो एस का क्वेश्चन है स्टडी मैट का क्वेश्चन है डिस्कस द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग एलकलिक लेकर फॉर ह्यूमन कंजन एलकलिक लेकर पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा देखो सवाल ये आता है कि अब आपको आंसर तो पता है पर आंसर पता होने से नंबर नहीं मिलते एग्जाम में लिखना कैसे उससे नंबर मिलते हैं इसीलिए मैं हर एक एक क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ क्योंकि आप लोग खुश हो जाते हो अरे वाह क्या नॉलेज मिली है क्या नॉलेज मिली है नॉलेज का अचार डालोगे क्या जब तक नंबर ही नहीं मिलेंगे आपके ऑफिस में भी ऐसे ऐसे कितने धुरंधर लोग बैठे होंगे जिनकी जबरदस्त नॉलेज है पर सीए नहीं बन पा रहे और ऐसे गधे गधे लोग जिनको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है लेकिन सीए बन गए पर जिन जो सीए नहीं बन पा रहे ना उनका तो कोई पैकेज नहीं है और जो सीए बन गए उनका पैकेज है तो मेन चीज जरूरी है एग्जाम पास करना तो क्वेश्चन लिखना कैसे वो पता होना चाहिए अब ये तो आपको पता चल गया कि इस इसमें जीएसटी नहीं लगेगा एलकलिक लिखना कैसे इज आउटसाइड द ऑफ जीएसटी जीएसटी से बिल्कुल बाहर है ठीक है अब दूसरा देखो इसमें कीवर्ड क्या है आउटसाइड द रिल ऑफ जीएसटी पेट्रोल क्रूड डीजल ए टी एफ नेचुरल गैस पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें क्या होगा पेट्रोल क्रूड डीजल पेट्रोल एटीएफ नेचुरल गैस दे आर नॉट प्रेजेंटली लेबल टू जीएसटी ना नो no जीएसटी तो गलत हो जाएगा दे आर नॉट प्रेजेंटली लेबल टू जीएसटी आज इनपे जीएसटी नहीं लग रहा जीएसटी विल बी लेविड ऑन दीज प्रोडक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड अंडर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जीएसटी कभी फ्यूचर डेट से लग सकता है

फर्स्ट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं तो हूँ तोबेको सब्जेक्ट टू तो जीएसटी एज एज वेल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ओपीएम इंडियन हम्प एंड अदर ड्रग्स तो देखो तोबेगो के ऊपर तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और जीएसटी लगता है ये जो बाकी के प्रोडक्ट है ना तंबाकू हो गया सॉरी ओपीएम हो गया इंडियन हम्प हो गया अदर नारकोटिक ड्रग्स उनके केस में भी जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है लेकिन स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है तोबेगो केस में तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है

और इसके क्वेश्चन खत्म और नया चैप्टर शुरू कर देंगे ठीक है ऐसे जिस चैप्टर में कुछ है नहीं तब तक मैं आपको पी डी दे दूंगा ठीक है चलिए मेरे ख्याल से आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ठीक है और जो रिकॉर्डेड बच्चे हैं कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ठीक है कल मिलते हैं कल का लेक्चर भी यूट्यूब पर रहेगा परसों से अपनी ऐप में और ऐप की डेमो टेस्टिंग कर लेंगे जो इतने भी क्लास वाले बच्चे हैं ठीक है और जिन्होंने क्लास ले ली मेल नहीं आया इस बैंक फोल्डर में चेक करो और जिनको भी क्लास लेनी है निश्चिंत रहिए आप ले सकते हैं आपका भरोसा नहीं टूटेगा आपके नंबर आ जाएंगे दिस आई गारंटी ठीक है चलिए बाय बाय थैंक यू सो मच आप लेट्स मीट टुमारो